तो इस सेशन में हम जीएस के सारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब आपके रिवाइज करवा देंगे। बिल्कुल भी आपको डरने की जरूरत नहीं है आपके अपकमिंग एनडीए एग्जाम के लिए। तो शुरू करते हैं आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहले पॉलिटी से स्टार्ट करेंगे, पॉलिटी के सारे टॉपिक्स कंसेप्ट सब रिवाइज करके आगे हम बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द गिवन लेजिस्लेशंस गिव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू थ्री टायर पंचायती राज सिस्टम। जो आपका पंचायती राज सिस्टम, जो आपके पंचायत आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था, वो कौन से अमेंडमेंट से मिला था? फर्स्ट इज 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1993, 72nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 74th या 75th। तो मैं बस ये बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वो कौन सा था जिससे आपका थ्री टायर पंचायती राज सिस्टम डाला गया था आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स इसलिए होते थे क्योंकि टाइम टू टाइम जैसे हमारी सोसाइटी बदल रही है, हमारा देश बदल रहा है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को भी रिजिट ना छोड़ा जाए, ठीक है। उसमें भी अलग अलग तरह के अमेंडमेंट्स आते रहे ताकि बदलते समय के साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बदलता रहे। तो कौन सा अमेंडमेंट था जिससे पंचायती राज सिस्टम आया, ए बी सी डी? तो इसका आंसर क्या होगा, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1993। सिर्फ यही नहीं कि आपका थ्री टायर पंचायती राज सिस्टम आया, इसमें बहुत कुछ और नए ऐड हुआ था आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे कि आपका लिखते जाइए सारा चल, पार्ट नाइन्थ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ऑल्सो एडेड बाय 73rd अमेंडमेंट एक्ट। इसके साथ साथ आपका शेड्यूल नंबर 11th शेड्यूल, पार्ट नाइन्थ, और आपके आर्टिकल, कौन कौन से आर्टिकल में दिया गया ये, आर्टिकल 243 से लेके 243O, इन सभी आर्टिकल्स में दिया गया है आपका पंचायती राज सिस्टम के बारे में। इसमें बहुत कुछ कहा गया है जैसे कि थ्री टायर सिस्टम होना चाहिए, एक कहां पर आपका विलेज लेवल पे सबसे नीचे, बिल्कुल आपका ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी, फिर एक इंटरमीडिएट लेवल, एंड देन आपका एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पंचायत होनी चाहिए। इसमें आपके दो प्रोविजंस दिए गए हैं, कंपलसरी प्रोविजंस और आपके वॉलंटरी प्रोविजंस। फ्रॉम स्टेट टू स्टेट आपकी वेरी करती है, ठीक है। तो जो कंपलसरी प्रोविजंस हैं वो आपके हर एक स्टेट को मानने पड़ेंगे और हर स्टेट में सेम होंगे, ठीक है। और जो वॉलंटरी प्रोविजंस हैं वो सब आपके चेंज होते रहते हैं। लेकिन आपका जो एनडीए है उसमें इतना ज्यादा कंसेप्चुअल नहीं पूछा जाता, ये सीडीएस में पूछे जाते हैं कि कंपलसरी प्रोविजंस कौन से हो जाएंगे और आपके वॉलंटरी प्रोविजंस कौन से हो जाएंगे। तो ये कल हम डिस्कस करेंगे जब आपका दूसरा सीडीएस के लिए सेशन होगा, तो वो भी आप जरूर लगाना, उसमें आपकी पूरी जीएस और ज्यादा कंसेप्ट के साथ हम कवर करने वाले हैं। तो इसका आंसर क्या है आपका, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1993, और उसमें क्या क्या ऐड हुए आपके, पार्ट, शेड्यूल नंबर 11 एंड आर्टिकल 243 से 243O। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which among the given exercised the most profound influence in framing the Indian Constitution? अब हमारे Constitution जो है उसको बहुत सारी जगहों से बोरो किया गया था, अलग अलग subjects, अलग अलग things आपकी बोरो हुई थी, कभी UK के Constitution से, US के Constitution से, French Constitution से, USSR के Constitution से, लेकिन सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस हमारे Constitution पे किसका पड़ा था, The Government of India Act 1935। 1935 के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, सबसे ज्यादा जो इन्फ्लुएंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे उसका है। इवन ये बात भी कही गई थी, अंग्रेजों ने कही गई थी कि जब तक हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता, जो इंटरिम गवर्नमेंट आपकी 1946 से बनी थी, एक टेम्पररी गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट भी आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हिसाब से ही चलेगी, ये तक कह दिया गया था। तो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस जो है वो किसका पड़ा, हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। इसके साथ साथ हम और भी देख लेते हैं कि किस कॉन्स्टिट्यूशन से हमें क्या क्या मिला है। चलिए, बोरोड फीचर्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत चीजें बोरो की थी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से, तो वो सारे बोरोड फीचर्स पढ़ते हैं। फ्रॉम यूके, इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, उससे हमने क्या लिया, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। दो तरह की सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होती है हमारी, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल। जो हमारा देश फॉलो करता है वो है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। लोअर हाउस मोर पावरफुल, लोअर हाउस कौन सा है हमारा, लोकसभा, लोकसभा ज्यादा पावरफुल है। आगे वाले क्वेश्चन में हम बताएंगे लोकसभा पावरफुल कैसे है। प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस, कैबिनेट सिस्टम, सिंगल सिटीजनशिप। अब सिंगल सिटीजनशिप कैसे, हम सब सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक है, ठीक है, कोई हरियाणा का, कोई उत्तर प्रदेश का नागरिक नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ किसके नागरिक है, भारत के नागरिक है, ठीक है। लेकिन इसके अपोजिट यूएस में क्या है, डबल सिटीजनशिप, ड्यूअल सिटीजनशिप। उसमें क्या है,
जो वहां की प्रोविंसेस है, जो स्टेट्स है, लोग वहां पे के भी सिटीजन होते हैं, साथ साथ आपके यूएस के भी सिटीजन होते हैं। तो जो इंडिया की सिंगल सिटीजनशिप है वो हमने कहां से ली है, यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से, बाइकैमरल पार्लियामेंट। अब बाइकैमरल क्या है, बाइकैमरल होता है दो हाउसेस, ठीक है। हमारे देश में क्या है, दो हाउस है, कौन कौन से, लोअर हाउस आपका लोकसभा एंड अपर हाउस आपका राज्यसभा। तो ये बाइकैमरल पार्लियामेंट भी हमने कहां से लिया है, यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से। प्रोविजन ऑफ स्पीकर इन लोकसभा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस, ये याद रखना, जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। वहीं पर ही आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है। नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट, नाम का हेड प्रेसिडेंट जो है वो भी ऑफिस कहां से लिया है हमने, यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से। यूएसए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, यूएस में क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अपोजिट जो आपका ग्रेट ब्रिटेन है वहां पे क्या है, आपका सिर्फ ओरल कॉन्स्टिट्यूशन। एक पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, फंडामेंटल राइट्स, सुप्रीम कोर्ट, हेड ऑफ स्टेट वुड बी नोन एज प्रेसिडेंट। अब दो हेड होता है हमारे देश में, दो हेड है, एक हेड ऑफ स्टेट है और एक कौन है हमारा, हेड ऑफ गवर्नमेंट। तो हेड ऑफ स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट, लेकिन हमारे देश में हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। हेड ऑफ गवर्नमेंट हमारे देश में कौन है, प्राइम मिनिस्टर, लेकिन यूएस में हेड ऑफ गवर्नमेंट और हेड ऑफ स्टेट दोनों ही कौन है, प्रेसिडेंट वहां का। प्रोविजन ऑफ स्टेट्स एंड जुडिशियल रिव्यू, जो जुडिशरी है हमारे देश में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट्स, वो क्या है, जुडिशियल रिव्यू जो हमारे देश में है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करते हैं। जुडिशियल रिव्यू, रिव्यू करेंगे कि भाई जो कानून बनाए गए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बने हैं या नहीं बने, ठीक है, ये होता है आपका जुडिशियल रिव्यू। फ्रांस से क्या लिया हमने, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से, रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है। रिपब्लिक का आइडिया और आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। अब लिबर्टी क्या होता है, लिबर्टी मींस आजादी, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन ना हो हमारे ऊपर, ऐसे नहीं कि पूरा खुला ही छोड़ दिया, नहीं, रिस्ट्रिक्शन ना हो, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है सरकार, ठीक है, बट हमें एक तरह से बंदी नहीं बना सकती, हमें आजादी मिलनी चाहिए। इक्वालिटी, समान अधिकार, ठीक है, हम सब समान है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, सेक्स, क्रीड, ठीक है, हम सब क्या है, इक्वल है। एंड फ्रेटर्निटी, भाईचारा, हम सब में क्या है, एक ब्रदरहुड वाली फीलिंग है, वो भी हमने कहां से लिया है आपका, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से। ऑस्ट्रेलिया, कंकरेंट लिस्ट, तीन तरह की लिस्ट है हमारे देश में, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। पहली कौन सी होती है आपकी, यूनियन लिस्ट, फिर स्टेट लिस्ट आती है एंड देन कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स दिए गए हैं उस पर कौन बनाएगा आपका कानून, यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट में आपकी स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, कंकरेंट लिस्ट में आपकी दोनों बना सकती है। आगे आएंगे इस सारे क्वेश्चन, इतने जिस भी तरह के क्वेश्चन आपके एनडीए में पूछे जाते हैं सारे कवर होंगे। सेंटर स्टेट के रिलेशन कैसे होने चाहिए वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया, साथ साथ जॉइंट सिटिंग, जॉइंट सिटिंग होती है लोकसभा राज्यसभा की, वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। यूएसएसआर, रशिया, फंडामेंटल ड्यूटीज, बहुत जरूरी है फंडामेंटल ड्यूटीज, बहुत क्वेश्चन पूछे गए आपके एनडीए में फंडामेंटल ड्यूटीज पे। आइडियल ऑफ जस्टिस, कौन कौन सा जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस। इसके साथ साथ जो हमारे प्रीएम्बल है उसमें दिया गया है जस्टिस, तो वो सब भी हमने वहीं से लिया। जर्मनी से सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे इमरजेंसी में भी आपके आगे, ठीक है। तो वो कि फंडामेंटल राइट सरकार छीन लेती है हमसे, तो ये प्रोविजन कहां से लिया हमने, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से। जापान, प्रोसीडिंग एस्टेब्लिश बाय, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। कैनेडियन, फेडरल सिस्टम एंड रेजिड्यूरी पावर विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर एंड एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। साउथ अफ्रीका से प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा। और आयरलैंड से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी हमने कहां से ली, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये कुछ थे आपके बोर्ड फीचर्स, इनपे से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर साल एक क्वेश्चन तो आपका जरूर पूछा जाता है आपके बोरोड फीचर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स इन कनेक्शन विद इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के इलेक्शन आर इंक्वायर्ड इनटू एंड डिसाइडेड बाय। अगर कोई भी डाउट क्रिएट होता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में,
कि भाई उसको कम वोट मिले या ज्यादा वोट मिले, या फिर नॉमिनेशन फाइल के टाइम पे कि कुछ आपकी बातें हैं किसी पर्टिकुलर नॉमिनी ने गलत बताई है, तो ये जितने भी डाउट्स हैं, जो भी डिस्प्यूट्स हैं, वो कौन हैंडल करेगा? सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, पार्लियामेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर? कौन देखेगा भाई डिस्प्यूट हो रहा है तो इस पर फैसला कौन करेगा? प्रेसिडेंट के टाइम पे, ये याद रखना, सिर्फ प्रेसिडेंट के टाइम पर पूछा है इसमें। कौन करेगा? ऑल डिस्प्यूट्स एंड आपके डाउट्स, ऑल डिस्प्यूट्स एंड डाउट्स सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ये याद रखना। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, इन दोनों के इलेक्शन में जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो कौन हैंडल करता है? आपका सुप्रीम कोर्ट हैंडल करता है। बाकी जो ऑर्डिनरी इलेक्शंस होते हैं आपके लोकसभा राज्यसभा के, उसको कौन देखता है? आपका इलेक्शन कमीशन, ठीक है, उसको आपका इलेक्शन कमीशन देखता है। बाकी सारे कौन करता है? आपका सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के टाइम पर, उनके इलेक्शन के टाइम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? सबसे आसान क्वेश्चन जो आपका एनडीए में या फिर किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है रिलेटेड टू पॉलिटी, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था? ड्राफ्टिंग कमेटी का, तो जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था, बहुत सारी कमिटीज बनाई गई थी, ठीक है, दो पर्टिकुलर कमिटीज आपकी डिस्ट्रीब्यूट करी थी, मेजर कमिटीज एंड माइनर कमिटीज। मेजर कमेटी का काम क्या था? जो भी मेजर आपके काम करने थे एक नए देश के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, ठीक है, वो आपकी सारी मेजर कमिटीज हैंडल करती थी, बाकी सब माइनर कमिटीज को दे दिया गया था जो छोटे मोटे काम थे। तो मेजर कमिटीज को हैंडल करने वाले भी बड़े बड़े लोग थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, इन सभी को दिए गए थे। तो हमें यह बताना है कि ड्राफ्टिंग कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, वो चेयरमैन कौन थे? ए राजेंद्र प्रसाद, बी जे बी कृपलानी, सी महात्मा गांधी या फिर डी बी आर अंबेडकर? सबसे आसान क्वेश्चन जो आपका पूछा जाता है पॉलिटी में, तो इसका आंसर क्या है आपका? डॉक्टर बी आर अंबेडकर। तो और देख लेते हैं, राजेंद्र प्रसाद आपकी स्टीयरिंग कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी से जुड़े हुए थे, उसके हेड थे। जे बी कृपलानी सब कमेटी थी आपकी फंडामेंटल राइट्स की, फंडामेंटल राइट से। महात्मा गांधी, ये चीजें याद रखना बच्चों कि महात्मा गांधी किसी भी कमेटी के हिस्सा नहीं थे, महात्मा गांधी किसी भी कमेटी के हिस्सा नहीं थे। तो इसका आंसर क्या था आपका? डी बी आर अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो इंडियन प्रेसिडेंट है वो आपकी इमरजेंसी, इमरजेंसी को किसकी एडवाइस पर इश्यू करता है? ठीक है, ए ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, बी ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सी इन हिज ओन डिस्क्रिशन, या डी व्हेन द डिसीजन ऑफ द यूनियन कैबिनेट फॉर द इश्यू ऑफ सच प्रोक्लेमेशन हैज बीन कम्युनिकेटेड टू हिम इन राइटिंग, लिखित में दिया गया हो। क्या होगा इसका आंसर? जब लिखित में दिया गया हो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इमरजेंसी, इमरजेंसी आपकी आर्टिकल नंबर 352 नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल नंबर 356 आपकी प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल नंबर 360 जिसमें आपकी क्या आती है? फाइनेंशियल इमरजेंसी। तीन तरह की इमरजेंसी होती है। क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि प्रेसिडेंट इमरजेंसी कब लगाता है? ठीक है, पहला क्या कहता है? ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के कहने पर। दूसरा, ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, सारे मंत्री हैं यूनियन गवर्नमेंट में, उनके कहने पे। तीसरा, इन हिज ओन डिस्क्रिशन, अपनी मर्जी से जब उसको लगता है कि लगानी चाहिए तब लगा देता है। या फिर डी पार्ट कहता है, जब उसको रिटर्न में दे दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, व्हेन द डिसीजन ऑफ द यूनियन कैबिनेट फॉर द इश्यू ऑफ सच प्रोक्लेमेशन हैज बीन कम्युनिकेटेड टू हिम इन राइटिंग। ठीक है, राइटिंग में देना पड़ता है, वरना जो आपका इंदिरा गांधी जी के टाइम पे हुआ था, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया था और प्रेसिडेंट ने आपकी इमरजेंसी लगा दी थी, ये ना हो, उसको चेक करने के लिए क्या कर दिया आपका? 44th अमेंडमेंट में कह दिया कि भाई रिटर्न में दो। ठीक है, जब प्रेसिडेंट को रिटर्न में मिलेगा कि भाई इमरजेंसी लगानी है, तब प्रेसिडेंट लगा देता है। तो इमरजेंसी में होता क्या है? आपका जो फेडरल स्ट्रक्चर है,
फेडरल जो स्ट्रक्चर है वो क्या बन जाता है, यूनिटरी बन जाता है। फेडरल मतलब डिवीजन ऑफ पावर्स, पावर डिवाइड हुई है आपकी यूनियन गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में। और यूनिटरी क्या है भाई, राजा मैं ही हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कहता है राजा मैं ही हूं, स्टेट जो सब्जेक्ट्स हैं उस पे कानून कौन बनाएगा, अब मैं ही बनाऊंगा। ठीक है, अब यूनिटरी कर दिया हमारा देश, अब जो कानून बनाने हैं वो सारे कौन बनाएगा, मैं ही बनाऊंगा। ये होता है आपका इमरजेंसी के टाइम पे। आगे भी और क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके इमरजेंसी पे, उसमें डिस्कस करेंगे कि 352 में क्या लिखा है, 356 में क्या लिखा है, 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी में क्या लिखा है, क्या क्या होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आपका, डी। जब उसको रिटर्न भी मिल जाएगा कि भाई आपकी इमरजेंसी अब लगानी है, तभी वो इमरजेंसी लगाएंगे। कंसिडर द फॉलोइंग, देखिए अभी किया था हमने क्वेश्चन, अलग अलग कमिटीज, स्टीयरिंग कमेटी राजेंद्र प्रसाद, फंडामेंटल राइट्स की सब कमेटी जेबी कृपलानी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जेएल नेहरू, और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार वल्लभ भाई पटेल। हमें यह बताना है विच अमंग द अबव इज रॉन्गली मैच्ड, ये याद रखना गलत कौन सा मैच्ड है। ठीक है, ये चार हमें दिए गए हैं, कमेटी दी गई है और उसके हेड दिए गए हैं, हमें बस ये बताना है कि इनमें से रॉन्गली कौन मैच्ड है। पहला ऑप्शन क्या कहता है, वन एंड टू, ये दोनों कि वे स्टीयरिंग कमेटी के राजेंद्र प्रसाद गलत है और फंडामेंटल राइट्स के सब कमेटी जेबी कृपलानी गलत है। दूसरा कहता है फोर ओनली, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे। सी ऑप्शन कह रहा है टू एंड थ्री के जेबी कृपलानी एंड जवाहरलाल नेहरू वाला गलत है, कौन सा होगा जल्दी ट्राई कीजिए। अभी क्वेश्चन किया था उसमें मैंने दो तो आपको बता ही दिए थे, जल्दी देखिए कर सकते हैं आप या नहीं। इस सेशन के एंड तक ऐसा होगा कि जब आप एनडी का एग्जाम देंगे तो जीएस के हर एक क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पाएंगे और आंसर सही करके। ठीक है, अटेम्प्ट ही नहीं, सही आंसर के साथ। जल्दी बताए क्या होगा इसका, अभी किया था आपने स्टीयरिंग कमेटी के राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल ठीक है। फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी जेबी कृपलानी, ये भी बिल्कुल ठीक है। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल ठीक। साथ साथ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, उसके साथ पावर्स, पावर कमेटी, उसके भी कौन थे आपके, जवाहरलाल नेहरू। एंड फोर्थ प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जो प्रोविंसेस का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, उस कमेटी के हेड भी कौन थे आपके, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो इसका आंसर क्या है, नन, कि भाई कोई भी गलत नहीं है, सारे के सारे क्या किए हैं, सेम आपके सही जोड़े हैं। ठीक है, जो मैच है सही जोड़ा है। साथ में जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके कौन थे आपके, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, अभी किया था हमने वो, डॉक्टर बी आर अंबेडकर आपके किसके थे, डॉक्टर बी आर अंबेडकर आपके ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, आ गया इमरजेंसी का क्वेश्चन आपका। 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली ड्यूरिंग, जो आपकी नेशनल इमरजेंसी लगती है, ठीक है, वो आर्टिकल 352 में कब लगती है, कौन कौन सा केस है कि भाई अब हम आर्टिकल 352 के अंदर क्या लगा दे, नेशनल इमरजेंसी लगा दे। जल्दी, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस, ठीक है, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट, या डी फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी इन द कंट्री, कौन से इन चार में से, कौन से केस में क्या होगा आपका, नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 लगेगा। जल्दी देखें, इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 की कौन सी होती है, नेशनल इमरजेंसी होती है भाई, नेशनल इमरजेंसी, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस। अगर ये क्वेश्चन आपसे 1978 से पहले पूछा होता, ठीक है, तब क्या होता इसका आंसर, ए, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस। लेकिन अभी आपसे 2023 में पूछा जाएगा तो इसका आंसर क्या होगा आपका, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। ऐसे मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि पहले जो था केस वो था आपका वॉर के टाइम पे, एक्सटर्नल एग्रेशन के टाइम पे और इंटरनल डिस्टरबेंस। लेकिन इंटरनल डिस्टरबेंस किसी को पता ही नहीं कब होगा, ठीक है, इंटरनल डिस्टरबेंस कब हो जाए, किस चीज को तुम इंटरनल डिस्टरबेंस कह दो, सरकार की मर्जी, सरकार कह दे गई भाई दो बच्चों की लड़ाई हो रही है इंटरनल डिस्टरबेंस है, ठीक है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इंटरनल डिस्टरबेंस बहुत ही वेग वर्ड था, इस वजह से इसको हटा के क्या कर दिया गया था, आर्म्ड रिबेलियन। तो इसका आंसर क्या है आपका, वॉर,
एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रिबेलियन, जो आपका कब आया था, 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, ठीक है, 44th अमेंडमेंट से आया था आपका 1978 में, वॉर एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रिबेलियन। इसका सी पार्ट देखते हैं जो लिखा है, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट, कि जो स्टेट्स है ठीक है उनमें कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी खराब हो गई है। इसका मतलब क्या है कि भाई स्टेट जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रही है। उस टाइम पे क्या लगता है वहां पर, प्रेसिडेंट्स रूल, प्रेसिडेंट्स रूल जो दिया गया है आपका आर्टिकल 356 में, ठीक है, आर्टिकल 356 में दिया गया है प्रेसिडेंट रूल के बारे में। और चौथा क्या कहता है, फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी इन द कंट्री, कंट्री में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं बची हुई, ठीक है, पैसों की इतनी तंगी आ चुकी है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यहां पर बची ही नहीं। उस टाइम पर क्या लगती है आपकी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है, उस टाइम पर क्या लगती है आपकी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी, और फाइनेंशियल इमरजेंसी आपके कौन से आर्टिकल में दी गई है, आर्टिकल नंबर 360, ठीक है, आर्टिकल 360 में दी गई आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी। और ये बात याद रखना, अभी तक हमारे देश में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है, फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे देश में आज तक नहीं लगी है। और इसमें होता क्या है, थोड़ी सी सैलरी कम कर दी जाती है, रोक ली जाती है, जो पर्क्स पैकेजेस मिलते हैं सरकारी इंप्लॉइज के, उन सबको रोक लिया जाता है, क्योंकि तंगी है भाई हमारे देश में, पैसों की तंगी है, पैसे नहीं है, तो तुम जो इतनी ज्यादा तनख्वाह ले रहे हो थोड़ी कम कर लो, ये होता है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी में। तो आर्टिकल 352 कौन कौन से आपके केस में लग सकता है, वॉर, जब भाई लड़ाई चल रही हो, एक्सटर्नल एग्रेशन, कोई और दुश्मन देश या कोई भी देश हम पर अटैक करने वाला हो, या फिर आर्म्ड रेबेलियन, सेना विद्रोह कर दे, तो इन तीन केस में क्या लगती है आपकी, आर्टिकल 352 के अंडर नेशनल इमरजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है, पहले ये बताइए काउंसिल ऑफ स्टेट्स क्या होता है, काउंसिल ऑफ स्टेट, फिर देखेंगे चेयरमैन ऐसा कौन होता है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स क्या होती है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स भाई, काउंसिल ऑफ स्टेट्स होती है आपकी राज्यसभा, क्योंकि स्टेट से तो आपकी चुन के आते हैं ये, ठीक है, जो स्टेट में आपकी असेंबलीज है, लेजिस्लेटिव असेंबली, वही तो चुनके भेजती है आपको कि भाई ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव है स्टेट्स के, ठीक है, राज्यसभा होती है आपकी काउंसिल ऑफ स्टेट। तो ये पूछा है कि उसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट, इनमें से कौन होता है, जल्दी बताए, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं आपके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन काउंसिल ऑफ स्टेट्स के। अब ये देख लेते हैं वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट कैसे होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है वो कौन होता है आपका, दोनों हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स, हम नहीं करते, ये याद रखना, इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं आपके वाइस प्रेसिडेंट साहब के, हम जो आम नागरिक है वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो एक क्या होता है आपका इनडायरेक्ट इलेक्शन, और वो भी किससे, इनडायरेक्ट इलेक्शन, और उसे इलेक्टोरल कॉलेज में कौन होते हैं आपके, लोकसभा प्लस राज्यसभा के मेंबर्स, इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड, इलेक्टेड भी और नॉमिनेटेड भी, जो आपके मेंबर्स हैं लोकसभा के और राज्यसभा के, वो सब किसमें पार्टिसिपेट करते हैं आपके वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने में, ठीक है। अब इसके साथ देखते हैं आपका प्रेसिडेंट का इलेक्शन, प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी कैसे होता है आपका, इनडायरेक्ट होता है, हम आम नागरिक उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है आपके प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, जहां वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो इलेक्टेड हो या फिर आपके नॉमिनेटेड हो, लेकिन प्रेसिडेंट के टाइम पर कौन पार्टिसिपेट करता है आपका, लोकसभा
प्लस राज्यसभा के मेंबर्स और वो भी आपके इलेक्टेड, नॉमिनेटेड नहीं, ठीक है ये याद रखना, नॉमिनेटेड नहीं, सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स आपके पार्टिसिपेट करते हैं। इसके साथ साथ जो स्टेट असेंबलीज है, स्टेट असेंबलीज, ठीक है वहां के भी जो मेंबर्स हैं सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड नहीं, इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड नहीं, स्टेट असेंबलीज, काउंसिल के नहीं, ठीक है। छह हमारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर बाइकैमरलिज्म है, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, तो असेंबली के पार्टिसिपेट करते हैं। और वो छह कौन से हैं ये भी लिख लो, सिक्स स्टेट्स जहां पर आपके दो हाउसेज है, यूपी, बिहार और कर्नाटका, महाराष्ट्र, इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है। तो जहां पर ये काउंसिल्स है वो पार्टिसिपेट नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ असेंबली वाले पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ जिन यूनियन टेरिटरीज में आपकी असेंबलीज है, दिल्ली पुदुचेरी जैसी, वहां के भी मेंबर, यूटी की जो असेंबली है वहां के भी इलेक्टेड मेंबर्स आपके पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है आपका वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के इलेक्शन प्रोसीजर में, कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। वाइस प्रेसिडेंट के सिर्फ लोकसभा राज्यसभा के, एंड प्रेसिडेंट के लोकसभा प्लस राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स ओनली, साथ साथ स्टेट असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स एंड यूनियन टेरिटरीज जहां पर असेंबली है वहां के आपके इलेक्टेड मेंबर्स। और इनका जो तरीका है, ठीक है, जो तरीका इलेक्शन का वो क्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड सीक्रेट बैलेट, ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड आपके सीक्रेट बैलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट क्लियरली एक्सप्रेसेस द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, अभी हमने देखा था जुडिशियल रिव्यू कहां से मिला था हमें, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है, वो आपका कौन कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 446, आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226, आर्टिकल 44 एंड आर्टिकल 152, या फिर आर्टिकल 17 एंड आर्टिकल 143। जुडिशियल रिव्यू जो हमें यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है हमें जुडिशियल रिव्यू, ए आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 446, इसका आंसर होगा आपका आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226, आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 होगा इसका आंसर, जिसमें आपका जुडिशियल रिव्यू के बारे में बताया गया है। अब ये जुडिशियल रिव्यू क्या है हमने समझ लिया था, ठीक है, जो जुडिशरी आपके लॉज को रिव्यू करती है कि वो सही है नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड है या नहीं है। अब आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 में स्पेसिफाई किसके लिए किया गया है, आपका सुप्रीम कोर्ट के लिए, ठीक है, आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के लिए, एंड आर्टिकल 226 में किसके लिए किया गया है, आपका हाई कोर्ट के लिए, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, ये रिट्स इशू करते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आपके रिट्स इशू करते हैं। रिट्स क्या होते हैं, रिटन ऑर्डर्स जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करते हैं, ठीक है। 32 में सुप्रीम कोर्ट के लिए, 226 में आपके हाई कोर्ट के लिए, पांच तरह के रिट्स होते हैं। उसमें डिफरेंस क्या है, आर्टिकल 32 इज अ फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 32 इज अ फंडामेंटल राइट, सुप्रीम कोर्ट को आपके जब भी फंडामेंटल राइट्स वायलेट होंगे ये रिट्स इशू करने पड़ेंगे, ठीक है। और हाई कोर्ट का जो आर्टिकल 226 है वो क्या है, फंडामेंटल राइट नहीं है, इन केस हाई कोर्ट आपका मना कर सकता है टू इश्यू रिट्स, ठीक है, टू इश्यू रिट्स हाई कोर्ट मना कर सकता है लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता। दूसरा डिफरेंस क्या है, सुप्रीम कोर्ट ये रिट्स इशू कब करता है, जब आपके सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट तभी रिट्स इशू करता है जब आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, लेकिन हाई कोर्ट आपके फंडामेंटल राइट्स साथ में कोई लीगल राइट भी, साथ में कोई लीगल राइट या और भी किसी तरह का जो राइट है वो आपका वायलेट होता है तो रिट्स इशू कर सकता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है,
जो जुरिसडिक्शन है, ठीक है, जो जुरिसडिक्शन है रिट जुरिसडिक्शन, वो हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा है। रिट जुरिसडिक्शन हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा है, लेकिन टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन क्या है, सुप्रीम कोर्ट का ज्यादा है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पूरी कंट्री में कोई भी मामला हो तब आपका रिट इश्यू कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट आपके सिर्फ और सिर्फ कंसर्न्ड स्टेट से जब रिलेटेड मैटर होते हैं जब आपके रिट इश्यू करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था आपका, आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 में क्या दिया गया है आपका, जुडिशियल रिव्यू के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर डन बाय डिलिमिटेशन। कि भाई कितनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी रिलेटेड टू पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के हिसाब से करते हैं। ठीक है, तो वो कौन करता है, इलेक्शन कमीशन, डिलिमिटेशन कमीशन, प्लानिंग कमीशन या फिर इलेक्शन कमीशन विद द असिस्टेंस ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन, कौन करता है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को निर्धारित, कौन करता है और बताता है कि आपकी शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी कितनी रिजर्व होगी कितनी नहीं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इवन आपके क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा है, आपके क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है। यस, डिलिमिटेशन कमीशन ऑप्शन बी। ठीक है, ये आपके अकॉर्डिंग टू द सेंसस, ठीक है, जो जनगणना होती है उसके हिसाब से क्या करता है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बताता है कि कितनी बड़ी होगी या एक स्टेट में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, आपकी जो रिजर्वेशन है शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए वो भी कितनी होगी कितनी नहीं, कौन बताता है आपका, डिलिमिटेशन कमीशन। प्लानिंग कमीशन, अब प्लानिंग कमीशन है नहीं, उसकी जगह क्या हो चुका है आपका, नीति आयोग, नीति आयोग आ चुका है। ठीक है, तो हमने 11 क्वेश्चन अभी तक कर चुके हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हम कंसेप्ट्स क्लियर कर चुके हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज इस सेशन को शेयर कर दें, लाइक जरूर करें, जो भी बच्चे आपके एनडीए के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ ये सेशन जरूर शेयर करें। हु इज द हाइएस्ट सिविल सर्वेंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट का हाइएस्ट सिविल सर्वेंट कौन होता है, यूनियन गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का हाइएस्ट सिविल सर्वेंट, ए अटर्नी जनरल, कैबिनेट सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी या फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अटर्नी जनरल, कैबिनेट सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। यस, इसका आंसर क्या है आपका, कैबिनेट सेक्रेटरी। हमने पूछा है यूनियन गवर्नमेंट में, मतलब सेंटर में सबसे बड़ा आपका सिविल सर्वेंट कौन है, कैबिनेट सेक्रेटरी। अगर पूछा जाए स्टेट में कौन होगा, स्टेट में कौन होता है आपका, चीफ सेक्रेटरी, स्टेट में कौन होता है आपका, चीफ सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी होता है आपका स्टेट में, कैबिनेट सेक्रेटरी होता है आपका यूनियन गवर्नमेंट में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। अटर्नी जनरल, अटर्नी जनरल होता है आपका हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, देश का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है आपका, अटर्नी जनरल। अगर पूछा जाए स्टेट का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है, वो होता है आपका एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल होता है आपका स्टेट का। ठीक है, एडवोकेट जनरल आपका स्टेट का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है, और सेंटर का होता है आपका अटर्नी जनरल। इसके पास पावर होती है कि ये क्या कर सकता है, एक व्यूवर, ठीक है, ऑडियंस के तौर पे किसी भी कोर्ट में जा सकता है। ठीक है, किसी भी कोर्ट में एज अ ऑडियंस जा सकता है, साथ साथ दोनों हाउसेस की जो आपकी मीटिंग्स होती है, जो सेशन होता है उसमें भी बैठ सकता है। ही हैज राइट टू से बट नो राइट टू वोट। ठीक है, वोट नहीं कर सकता पर अपनी बात रख सकता है। ठीक है, ये इसका काम होता है, ये इसको पावर मिली होती है। इसका काम क्या होता है, जो भी यूनियन गवर्नमेंट है उसके बिहाफ पे केसेस लड़ना। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट के बिहाफ पे केसेस लड़ता है आपका अटर्नी जनरल। तो इसका आंसर क्या था, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन है आपका, कैबिनेट सेक्रेटरी यूनियन गवर्नमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट।
ठीक है, कि चेयरमैन और मेंबर जो यूपीएससी के हैं उनको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। और सेकंड क्या कहता है, चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ द यूपीएससी आर एलिजिबल फॉर फर्दर इंप्लॉयमेंट अंडर द गवर्नमेंट, कि चेयरमैन और मेंबर गवर्नमेंट के अंडर किसी और इंप्लॉयमेंट को कर सकते हैं वो रिटायर होने के बाद, अपनी पोजिशन से हटने के बाद। ठीक है, ये कहा गया, ये आपके दो स्टेटमेंट है, ये बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है कौन सी नहीं। जल्दी देखो इसका आंसर क्या होगा। ए ऑप्शन कह रहा है कि सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है, मतलब चेयरमैन और मेंबर ऑफ यूपीएससी आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। दूसरा कह रहा है ओनली टू ठीक है, कि चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द यूपीएससी आर एलिजिबल, ये क्या कह रहा है, एलिजिबल फॉर फर्दर इंप्लॉयमेंट अंडर द गवर्नमेंट। सी बोथ वन एंड टू आर राइट, एंड डी नेदर वन नोर टू इज राइट। तो क्या होगा इसका आंसर जल्दी। ओनली वन, सिर्फ और सिर्फ आपका फर्स्ट ठीक है, कि चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द यूपीएससी आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। अब सेकंड में क्या गलती है, कि चेयरमैन और मेंबर आर नॉट फर्दर एलिजिबल, यस वो दोबारा से गवर्नमेंट के अंडर कोई काम नहीं करते, लेकिन अगर इसमें लिखा होता मेंबर ऑफ द यूपीएससी, अब मेंबर ऑफ द यूपीएससी किसी और नौकरी में नहीं जा सकते गवर्नमेंट की, बट जो मेंबर है यूपीएससी की वो क्या बन सकते हैं, चेयरमैन, चेयरमैन या फिर किसी और स्टेट के जो आपके पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं, जैसे हरियाणा की एचपीएससी है, यूपी की अलग है, ठीक है, उनके भी क्या बन सकते हैं, चेयरमैन बन सकते हैं, बट इसी फील्ड में रहेंगे, किसी और में नहीं जा सकते। ठीक है, तो सेकंड वाली क्या है आपकी, गलत है। तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ठीक है, चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ द यूपीएससी आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड ऑल्सो रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट, रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट। इसके साथ साथ हर साल ये क्या करते हैं, रिपोर्ट, प्रेसिडेंट को रिपोर्ट भी सौंपती है यूपीएससी। ठीक है, एक रिपोर्ट पूरे साल में उन्होंने क्या काम किया क्या नहीं, उसकी एक रिपोर्ट भी यूपीएससी सौंपता है प्रेसिडेंट को। और यूपीएससी का काम आप सभी को पता है, आपका जो एनडी का एग्जाम है वो भी कौन कंडक्ट करवाएगा, यूपीएससी करवाएगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है, ठीक है, सेंटर की रिक्रूटमेंट एजेंसी है आपकी यूपीएससी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडियाज ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल आर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री, कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से आपका ये आइडिया कॉपी किया गया था, बोरो किया गया था, सॉरी, लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी कौन से आपके कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो हुआ है। अभी ही डिस्कस किया था भाई, अभी डिस्कस किया था फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, फ्रेंच रिवोल्यूशन के टाइम पर ये दिए गए थे, लिबर्टी आपकी फ्रीडम, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन ना हो, इक्वालिटी समान अधिकार, फ्रेटर्निटी आपका भाईचारा। ये कहां से लिया गया था, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। अभी हमने सारे पढ़े थे कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कौन से फीचर बोरो किए थे, ये सारे पढ़े थे, तो उसमें कौन सा था, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन था, जहां से हमने ये तीनों आइडियाज कॉपी किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वॉज एनन्शिएटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ड्यूरिंग द, जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि जो सरकार है, ठीक है, जो लेजिस्लेचर है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकता है, हटा सकता है, या कोई भी पार्ट ऐड कर सकता है, लेकिन एक चीज वोलेट नहीं होनी चाहिए, वो क्या है आपका, बेसिक स्ट्रक्चर। इस बेसिक स्ट्रक्चर को वोलेट नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी चीज कॉन्स्टिट्यूशन से हटा लो, कोई भी अमेंड कर लो, या फिर कुछ भी तुम ऐड कर लो, बस इस बेसिक स्ट्रक्चर को तुम वॉयलेट नहीं कर सकते, इसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। तो कौन से आपके जजमेंट में पास हुआ था ये, ए गोलकनाथ, बी मेनका गांधी केस, सी केशवनाथ भारती, या डी एस आर बोम्मई केस। कौन सा केस था, केशवनंद भारती केस 1973 का, अप्रैल 1973 भाई, ठीक है। तो उस केस में क्या कह दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर को वोलेट मत करो, बाकी तुम्हें जो करना कर लो, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर वोलेट नहीं करना है, बाकी इस कॉन्स्टिट्यूशन को
आपके समय के साथ कैसे भी आप बदल सकते हो। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ अ सिटीजन। सिटीजन की कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है इनमें से एक, कौन सी है फंडामेंटल ड्यूटी? फंडामेंटल ड्यूटी आपकी इनमें से कौन सी नहीं है? पहला कहता है रिस्पेक्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करना। रिस्पेक्ट फॉर द नेशनल फ्लैग, हमारा झंडा, हमारा तिरंगा, उसकी रिस्पेक्ट। तीसरा, रिस्पेक्ट फॉर द नेशनल एंथम, जनगण मन, उसकी रिस्पेक्ट। या फिर डी, रिस्पेक्ट फॉर द गवर्नमेंट, मोदी सरकार, ठीक है, उसकी रिस्पेक्ट। तो क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें से क्या नहीं करना हमें, कौन सी ड्यूटी नहीं है हमारी? ठीक है, इनमें से हमारी कौन सी ड्यूटी नहीं है, इन चार में से कौन सी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं बनती? डी, वही रिस्पेक्ट फॉर द गवर्नमेंट, मत करो सरकार की रिस्पेक्ट, मत करो, ये कहता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अजीब बात है बट ये कहता है कि सरकार की रिस्पेक्ट करना हमारी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, बाकी कॉन्स्टिट्यूशन की तुम्हें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, साथ साथ नेशनल एंथम की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी की रिस्पेक्ट करो या ना करो ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं लिखा। अभी ड्यूटीज कहां से ली थी हमने? यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से, अभी पढ़ा था हमने। ठीक है, और ये बात याद रखो, ओरिजिनल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था ना, जो 1950 26 जनवरी को लागू हुआ था, उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में नहीं था। ठीक है, उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी। ये कब ऐड हुई थी आपकी? 1976 में। ठीक है, कौन सी कमेटी थी? सरदार स्वर्ण सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी थी, जिसने कहा था कि भाई फंडामेंटल ड्यूटी होनी चाहिए। नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर उनको क्या था, जरूरत पड़ी थी कि लोगों के पास से कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज हो, भाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो। राइट्स तो तुम्हें मिल गए, फंडामेंटल राइट्स तो सरकार ने तुम्हें दे दिए, कॉन्स्टिट्यूशन ने दे दिए, लेकिन अब तुम्हारी कुछ जिम्मेवारी बनती है। ठीक है, कुछ ड्यूटी बनती है, वो आपकी किसमें है? फंडामेंटल ड्यूटीज में। आर्टिकल 51 ए पार्ट फोर्थ ए, आर्टिकल 51 ए पार्ट फोर्थ ए, एक चीज याद रखो, कितनी है ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज? 10+1। हमें 10+1 क्यों कहा? क्योंकि 10 थी जब ये आई थी, जब फंडामेंटल ड्यूटीज आई थी, जब थी ये 10, लेकिन एक और ऐड हुई थी आपकी 2002 में, 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002, उससे क्या ऐड हुई आपकी? 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुई थी। ठीक है, यूएसएसआर से ली गई सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने ये दी थी। ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, इन सभी पे क्वेश्चन आ सकते हैं और हर एक अलग अलग क्वेश्चन है। ठीक है, हर एक अलग अलग क्वेश्चन है कि कौन सी कमेटी ने स्पेसिफाई किया कि फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए, कहां से हमने लिया? यूएसएसआर से लिया, कौन सा आर्टिकल है? सिर्फ एक आर्टिकल है। ठीक है, सिर्फ एक आर्टिकल में आपकी ये सारी फंडामेंटल ड्यूटीज लिखी हुई है, कौन से पार्ट में है और कितनी है, और जो एक बार ये अमेंड हुई है, ठीक है, एक बार अमेंड हुई है, तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था जिससे ये अमेंड हुई थी? ठीक है, ये सब आपके अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं, ये चीजें आपको याद रखनी होगी, ये आपके अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं और ये आपको सारे के सारे याद होने चाहिए। ठीक है, अब इसकी एक क्रिटिसिज्म भी है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज की, क्या कि इतनी सारी ड्यूटीज दे दी लेकिन ये नहीं कहा कि भाई ये आपके लीगली एनफोर्सेबल है, नहीं, नो, नॉट एनफोर्सेबल। जैसे आपके फंडामेंटल राइट्स एनफोर्सेबल है, जब फंडामेंटल राइट्स को तुम वायोलेट होते हैं, हमारे सरकार वायोलेट करती है, तो सुप्रीम कोर्ट आता है, ठीक है, हाई कोर्ट आता है कि तुमने ऐसे क्यों कर दिया, लेकिन अगर तुम्हें फंडामेंटल ड्यूटीज फॉलो नहीं करोगे तो कह नहीं सकते, क्यों? क्योंकि भाई ये लीगली एनफोर्सेबल नहीं है। ठीक है, लीगली एनफोर्सेबल नहीं है, साथ साथ इसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड नहीं की गई, जैसे फैमिली प्लानिंग की राइट, और आपकी ड्यूटी टू पे टैक्स, ठीक है, राइट नहीं, ड्यूटी, ड्यूटी टू पे टैक्सेस, अगर टैक्स पे होते तो हमारे देश में क्या होता, सरकार के पास बहुत पैसा होता और ज्यादा डेवलपमेंट होती, इंफ्रास्ट्रक्चर बनते, लेकिन ये सब बातें नहीं की गई, ये भी इसकी क्या एक क्रिटिसिज्म है। ठीक है, तो आंसर क्या था इसका? रिस्पेक्ट फॉर द गवर्नमेंट, और ये सारी चीजें याद करना। अब ये फंडामेंटल ड्यूटी का आपका पूरा टॉपिक हुआ है, इस क्वेश्चन में आपके फंडामेंटल ड्यूटी का पूरा टॉपिक कवर हुआ है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट व्हिच अमंग द फॉलोइंग आर ट्रू। जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के तौर पर काम करता है तो इनमें से क्या क्या चीजें सही है। ही शी रिमेन्स द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा एंड परफॉर्म्स द ड्यूटी ऑफ द चेयरमैन। ही शी सीजेस टू द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। सी लोकसभा स्पीकर परफॉर्म्स द ड्यूटी ऑफ द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, या फिर डी नन ऑफ द अबव। कौन सा ठीक होगा इसमें? वाइस प्रेसिडेंट को हमने क्या बना दिया? प्रेसिडेंट बना दिया। बहुत अलग अलग आपके केसेस होते हैं जिसमें बनते हैं, ठीक है, अलग अलग केसेस होते हैं जिसमें आपके वाइस प्रेसिडेंट क्या बनते हैं? प्रेसिडेंट बनते हैं। जैसे कि रेजिग्नेशन, ठीक है, इनका इम्पीचमेंट हो जाना, इनकी डेथ हो जानी, या फिर इतने बीमार होना, या फिर किसी भी पर्पज से ये अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पा रहे, प्रेसिडेंट अपनी ड्यूटी नहीं परफॉर्म कर पा रहे, तब वाइस प्रेसिडेंट को बना दिया जाता है। तो एक हायरार्की होती है कि जब प्रेसिडेंट होते हैं उनके बाद कौन बनेगा, जब प्रेसिडेंट नहीं होते? वाइस प्रेसिडेंट। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी किसी काम से नहीं है या है ही नहीं हमारे देश में वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस भी, तब क्या? तब आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आपके इंडियन चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे सीनियर जज है चीफ जस्टिस, वो आपके काम करते हैं एज ए प्रेसिडेंट। ये भी नहीं होते तो कौन होते हैं? आपके सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये काम करते हैं आपके, ठीक है। तो ये एक हायरार्की बनती है कि जब प्रेसिडेंट ना हो तो कौन काम करेगा एज ए प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ना हो तो कौन करेगा, और ये भी ना हो तो कौन करेगा। अब सुप्रीम कोर्ट में तो सीनियर मोस्ट जज होगा कोई ना कोई, ठीक है, अगर चीफ जस्टिस भी नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज तो होगा ही होगा। तो ये हायरार्की होती है। अब क्वेश्चन था, जब वाइस प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट काम करेगा तब क्या होगा? आंसर क्या है? वो अपनी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा का जो काम है वो छोड़ देंगे, और उनको एज अ चेयरमैन कौन वर्क करेगा? डेप्यूटी चेयरमैन, ठीक है। जो सी ऑप्शन था कि लोकसभा का स्पीकर परफॉर्म करेगा, नहीं, इनकी जगह कौन परफॉर्म करेगा? आपका डेप्यूटी स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर आपका वर्क करेगा एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है, डेप्यूटी स्पीकर, सॉरी डेप्यूटी चेयरमैन, माय मिस्टेक, डेप्यूटी चेयरमैन, ठीक है, डेप्यूटी चेयरमैन विल वर्क एज अ चेयरमैन जब वाइस प्रेसिडेंट काम करेंगे एज अ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द डोमेन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट की डोमेन में कौन सा नहीं है? ए डिफेंस, बी फॉरेन अफेयर्स, सी कम्युनिकेशन, या फिर डी हेल्थ, ठीक है। अब यूनियन गवर्नमेंट की डोमेन में ना होने का मतलब क्या है? हमारी तीन लिस्ट है, अभी हमने डिस्कस की थी, ठीक है, तीन लिस्ट है, वो किस में? आपकी सेवंथ शेड्यूल, सेवंथ शेड्यूल में आपकी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉनकरेंट, ये तीन लिस्ट दी गई है। यूनियन लिस्ट में जो है वो सारे कानून कौन बनाती है? यूनियन गवर्नमेंट। इसका मतलब यही है कि यूनियन गवर्नमेंट के डोमेन में होना, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का मतलब आप समझ गए होंगे कि इनमें से कौन सा यूनियन गवर्नमेंट के डोमेन में नहीं है, मतलब यूनियन लिस्ट में नहीं है, ठीक है, मतलब यूनियन लिस्ट में नहीं है। तो डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन या फिर हेल्थ, तो इसका आंसर क्या होगा? हेल्थ, हेल्थ, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? हेल्थ होगा, क्योंकि हेल्थ स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है। हमने देखा जैसे दिल्ली में, दिल्ली में क्या बनाया हुआ है? मोहल्ला क्लिनिक्स, ठीक है, क्यों? क्योंकि दिल्ली सरकार के अंदर आता है हेल्थ। राजस्थान में भी राइट टू हेल्थ हुआ था, करंट अफेयर्स, ठीक है, राइट टू हेल्थ राजस्थान में, तो राजस्थान गवर्नमेंट की हेल्थ का जो स्ट्रक्चर है वो कौन डिसाइड करता है? राजस्थान गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो जो हेल्थ का जो डोमेन है वो किस में आता है? आपका स्टेट लिस्ट में आता है, ना कि यूनियन लिस्ट में। अब यूनियन लिस्ट में वो चीजें आती है जिसके लिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और एक यूनिफॉर्मिटी चाहिए पूरे देश में, जैसे कि डिफेंस। हम ये तो नहीं कह सकते कि राजस्थान सरकार अपना खुद का डिफेंस देखे, ठीक है, पाकिस्तान ने अटैक कर दिया तो राजस्थान गवर्नमेंट देखेगी, नहीं, यूनियन गवर्नमेंट देखती है।
फॉरेन अफेयर्स भी यूनियन गवर्नमेंट देखती है, साथ साथ कम्युनिकेशन भी कौन देखता है, यूनियन गवर्नमेंट देखती है। तो ये तीन चीजें आपके किस में आती है, यूनियन गवर्नमेंट के डोमेन में आती है, लेकिन फोर्थ हेल्थ आपके यूनियन गवर्नमेंट के डोमेन में नहीं आती। नेक्स्ट क्वेश्चन, हूज प्रायर रिकमेंडेशन इज नीडेड फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी बिल इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में मनी बिल को रिकमेंड कौन करता है लाने के लिए, ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बी प्राइम मिनिस्टर, सी स्पीकर या फिर डी प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रायर रिकमेंडेशन इज नीडेड, किसकी प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी बिल इन द पार्लियामेंट, ए बी सी डी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर या फिर प्रेसिडेंट। अब देखते हैं सारा मनी बिल के बारे में। मनी बिल आपके कौन से आर्टिकल में है, मनी बिल आर्टिकल नंबर 110। ठीक है, 110 में स्पेसिफाई किया गया अबाउट मनी बिल। अब मनी बिल क्या, ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है इसके पास करने के प्रोसीजर में। ठीक है, इसके पास करने के प्रोसीजर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। पहला क्या है, इट विल ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा आपका मनी बिल। ठीक है, एंड इट विल रिक्वायर प्रायर परमिशन किसकी चाहिए, प्रेसिडेंट की। यही तो आंसर था हमारा। ठीक है, यही तो आंसर था कि किसकी चाहिए रिकमेंडेशन, किसकी चाहिए परमिशन, प्रेसिडेंट की। ठीक है, एक बिल, एक ऑर्डिनरी बिल है या फिर आपका मनी बिल है, वो डिसाइड कौन करेगा, डिसाइडेड बाय स्पीकर। स्पीकर डिसाइड करेगा कि एक आपका बिल मनी बिल है या फिर ऑर्डिनरी बिल है। इसके साथ साथ इट विल ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड बाय अ मिनिस्टर, इंट्रोड्यूस्ड बाय अ मिनिस्टर, सिर्फ और सिर्फ मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करेगा, कोई प्राइवेट मेंबर नहीं करेगा। अब प्राइवेट मेंबर में क्या फर्क है, जो भी आपके एमपीज मिनिस्टर है उनके अलावा सारे प्राइवेट मेंबर है। ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड बाय अ मिनिस्टर। अब इसमें जो पास करने का प्रोसीजर है क्या होता है, एक हाउस से गया, वहां पे पास हुआ, देन किसमें जाएगा आपके, दूसरे हाउस में। इसमें क्या होता है, राज्यसभा में जब जाता है, राज्यसभा कैन नॉट अमेंड और कैन नॉट रिजेक्ट। सिर्फ 14 डेज तक ही राज्यसभा इसको क्या कर सकता है, लटका सकता है। ठीक है, ये नहीं है कि अपने पास रख लिया, ना ही उसको पास कर रहे हैं, ना ही उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, ना ही उसको अमेंडमेंट के लिए वापस भेज रहे हैं, नहीं, क्या करते हैं, सिर्फ 14 डेज तक रख सकते हो भाई। अगर तुमने 14 डेज में पास नहीं करके दिया तो हम क्या मान लेंगे, ये पास हो गया। ठीक है, नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग, जॉइंट सिटिंग नहीं होती है व्हेन इट कम्स टू मनी बिल। मनी बिल के टाइम पर आपकी कोई जॉइंट सिटिंग नहीं होती है, एक मनी बिल के टाइम पर, एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के टाइम पर। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो बिल है वो भी लोकसभा में अलग पास होता है और राज्यसभा में अलग पास होता है, इस वजह से आपकी उस समय भी कोई जॉइंट सिटिंग नहीं होती है। ठीक है, तो नो प्रोविजन फॉर जॉइंट सिटिंग। एंड प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट उसको क्या नहीं कर सकता, रिटर्न कांट बी रिटर्न्ड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये सारा था आपका मनी बिल के बारे में। ठीक है, मनी बिल के बारे में सब कुछ था, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं वो सब थे इस एक स्लाइड में। ठीक है, उसका आर्टिकल, उसका पास करने का प्रोसीजर, सब कुछ इसमें क्या है, आपका मनी बिल से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू होम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबमिट्स इज रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन किसको देता है, रेजिग्नेशन, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबमिट इज रेजिग्नेशन, ए प्राइम मिनिस्टर, बी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सी पार्लियामेंट या फिर डी वाइस प्रेसिडेंट। आंसर क्या है इसका, वाइस प्रेसिडेंट।
वाइस प्रेसिडेंट को ही प्रेसिडेंट क्या करता है, अपना रेजिग्नेशन सबमिट करता है। ठीक है, अब इनको ओथ कौन दिलवाता है, ओथ चीफ जस्टिस, ये याद रखना, ओथ कौन दिलवाता है आपका, चीफ जस्टिस दिलवाते हैं, और रेजिग्नेशन किसको सबमिट करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अफेक्टेड ड्यू टू नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी में क्या क्या चीजें अफेक्ट होती है, पहला सेंटर स्टेट के रिलेशन, लाइफ ऑफ द लोकसभा एंड स्टेट असेंबली, तीसरा फंडामेंटल राइट्स। नेशनल इमरजेंसी अभी अभी पढ़ी हमने, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 किन किन केस में लगती है वो भी देखा था हमने। तो उस टाइम पर क्या होता है, सेंटर स्टेट रिलेशन इफेक्ट होते हैं, लोकसभा राज्य और आपकी स्टेट असेंबली की जो लाइफ है जो 5 साल की होती है वो अफेक्ट होती है, या फिर आपके फंडामेंटल राइट्स को भी अफेक्ट होते हैं। तो इनमें से क्या होगा आंसर, ऑल द अबव। ठीक है, तीनों चीजें, सेंटर स्टेट के रिलेशन भी अफेक्ट होता है, जैसे हमने देखा फेडरल जो स्ट्रक्चर है हमारा कैसा हो जाता है, यूनिटरी हो जाता है। ठीक है, लाइफ ऑफ द लोकसभा एंड स्टेट असेंबली, जो आपकी 5 साल की लोकसभा होती है, 5 साल की स्टेट असेंबली होती है, उसको भी क्या कर दिया जाता है, एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, एक एक साल के लिए बार बार उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तीसरा फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स को भी हमसे छीन लिया जाता है, लेकिन एक चीज याद रखना, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। ठीक है, 20 और 21 आर्टिकल को छोड़ के आपके फंडामेंटल राइट्स भी छीन लिए जाते हैं। तो ये क्या है आपके नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे क्या क्या चीजें अफेक्ट होती है, ऑल द थ्री। नेक्स्ट, सरकारिया कमीशन वॉज सेट अप टू रिव्यू, सरकारिया कमीशन क्यों सेट अप हुई थी, क्या किया था सरकारिया कमीशन ने, पहला रिलेशन बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर, ये देखा था कि भाई प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच का कैसा रिश्ता होना चाहिए। ठीक है, रिलेशन बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव, जो लॉ मेकिंग एंड लॉ को एग्जीक्यूट करने की जो एजेंसी है आपकी सरकार की देश की, उनमें कैसा रिलेशन होना चाहिए। तीसरा रिलेशन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव जो लॉ को एग्जीक्यूट करता है, जुडिशरी जो देखता है जो लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है या नहीं। और तीसरा चौथा द रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, सरकारिया कमीशन, भाई सरकारिया कमीशन बहुत क्वेश्चन आए आपके, हर एक एग्जाम में पूछ लेते सरकारिया कमीशन के बारे में, एनडीए में भी और सीडीएस में भी, इसके साथ साथ एसएससी सीएपीएफ इन सब में भी सरकारिया कमीशन एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो आपको से पूछ लिया जाता है। क्या था सरकारिया कमीशन, डी सेंटर और स्टेट के बीच के रिश्ते को बताया था आपके सरकारिया कमीशन ने कैसे होने चाहिए। ठीक है, सरकारिया कमीशन, पूंजी कमीशन, ये सब कमीशन थी आपकी जो रिलेटेड थी सेंटर स्टेट के रिलेशन के बीच में। और ये याद रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सरकारिया कमीशन की, कि इस कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद आर्टिकल 263 की जो इंटर स्टेट काउंसिल है, इंटर स्टेट काउंसिल वो सेटअप हुई थी, ये चीज याद रखना, सरकारिया कमीशन के बाद आपकी इंटर स्टेट काउंसिल को सेटअप किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पास द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज लॉ पॉपुलरली नोन एज पेसा लॉ, एक पेसा एक्ट था 1996 का, ठीक है 1996 का एक एक्ट था पेसा एक्ट, उसके बारे में कौन सी नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, ध्यान से पढ़ना अपने एग्जाम में भी करेक्ट पूछा या नॉट करेक्ट पूछा। पेसा वॉज मीन टू प्रोवाइड सेल्फ गवर्नेंस इन द शेड्यूल्ड एरियाज, पेसा डिसएम्पावर्स ग्राम सभा, या पेसा प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ द ट्राइबल्स, या पेसा कंडक्ट्स पब्लिक हियरिंग टू प्रोटेक्ट इनहेरिटेंस राइट्स, जो आपके इनहेरिटेड राइट्स है पेसा के ट्राइबल्स के उसको प्रोटेक्ट करता है। हमें नोट करेक्ट बताना है, ठीक है, कौन सा इनमें सही नहीं है। पेसा एक्ट के बारे में क्या सही नहीं है,
अब पेस एक्ट क्या था आपका, 1993 में पंचायत वाला जो था 73rd अमेंडमेंट वो आ गया था, ठीक है। लेकिन जो आपके ट्राइबल एरियाज थे उनकी जो थी ना रिलीजियस और कल्चरल जो एट्रीब्यूट्स थे, ठीक है, जो उनके कल्चरल आपके रिलीजियस जो चीजें थी वो अलग थी, तो उनको अलग मेंटेन रखने के लिए आपका पेसा एक्ट आया था कि भाई इनको कुछ और राइट्स मिल जाए, जो आपका जो एरिया है जहां वो रहते हैं वहां पर उनकी और ज्यादा रिप्रेजेंटेशन हो, इन पंचायत में और ज्यादा रिप्रेजेंटेशन हो, ताकि वो जो अपने राइट्स हैं जो आपके कल्चर है उसको मेंटेन रख सके, ठीक है। इस वजह से पेसा एक्ट आया था, ठीक है, उनकी भलाई के लिए। तो पहला क्या कहता है, पेसा वॉज मेंट टू प्रोवाइड सेल्फ गवर्नेंस इन द शेड्यूल्ड एरियाज। बिल्कुल सही है भाई, सेल्फ गवर्नेंस होनी चाहिए शेड्यूल्ड एरियाज, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो एरियाज है वो। तीसरा क्या कहता है, पेसा प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द ट्राइबल, उनके जो इंटरेस्ट थे उनको प्रोटेक्ट करता है। बिल्कुल सही है, पेसा कंडक्ट्स पब्लिक हियरिंग टू प्रोटेक्ट इनहेरिटेंस राइट ऑफ द ट्राइबल्स, उनकी इनहेरिटेड जो राइट्स है उसको भी क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। बिल्कुल सही, लेकिन ये जो आपका बी है, पेसा डिसएम्पावर्स ग्राम सभा, नहीं, पेसा ग्राम सभा को डिसएम्पावर नहीं करता है, इवन उनके लिए और ज्यादा पावर देता है, ठीक है। क्या कि ट्राइबल एरियाज की जो रिप्रेजेंटेशन वो और ज्यादा बढ़ा देता है, ठीक है, 50% की रिप्रेजेंटेशन कर देता है उसमें। और इवन जो तीनों हमने पढ़ा है, तीन टायर सिस्टम, ठीक है, आपका विलेज पे, इंटरमीडिएट पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इन तीनों के जो चेयरमैन होंगे वो भी कौन होगा, उस ट्राइबल कम्युनिटी का होगा, ये आपका पेसा एक्ट में लिखा था। तो ये जो है आपका बी, ये होगा इसका आंसर कि भाई डिसएम्पावर नहीं किया था ग्राम सभा को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंसर्न ऑफ लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट की कंसर्न कौन सी नहीं है भाई, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस एंड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। कोई बच्चा जो सीरियसली एनडीए की तैयारी कर रहा होगा उसको ये पता जरूर होगा। क्या होगा इसका आंसर, लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट मतलब आपकी म्यूनिसिपैलिटीज, म्यूनिसिपैलिटीज। अभी हमने सारा पंचायत का पढ़ा था, कौन से आर्टिकल्स थे, कौन से शेड्यूल थे, अब म्यूनिसिपैलिटीज के कौन थे आपके, पार्ट 9A, ये नया इंट्रोड्यूस हुआ था। अमेंडमेंट कौन सा था, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1993, ठीक है। इसके साथ साथ शेड्यूल आया था शेड्यूल नंबर 12, ठीक है, ये सारे कौन से थे आपके, म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड थे। अब कौन सा कंसर्न नहीं है, आप अपने देखते हो अपने डिस्ट्रिक्ट में जो म्यूनिसिपैलिटी है क्या क्या काम करती है, पब्लिक हेल्थ के बारे में, ठीक है, सैनिटेशन साफ सफाई के बारे में, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, उनके जो यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइड करते हैं पब्लिक को वो भी करती है, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, नहीं भाई मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर काम नहीं है आपका म्यूनिसिपैलिटी का। तो इसका आंसर क्या होगा, डी, ये कौन करेगी आपकी, स्टेट गवर्नमेंट करेगी, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट आपके पब्लिक ऑर्डर देखती है, ये नहीं कि म्यूनिसिपैलिटी का काम है कि ये पब्लिक ऑर्डर को देखना, ठीक है। तो ये कंसेप्ट अच्छे से पढ़े जाएंगे तो आप इजिली ये क्वेश्चंस निकाल लेंगे अपने आने वाले एग्जाम में। अब कुछ क्वेश्चंस अपने ज्योग्राफी देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्राइमरी वेव्स ऑफ अर्थक्वेक इज नॉट करेक्ट, प्राइमरी वेव अर्थक्वेक की कौन से करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट। अगेन मैं कह रहा हूं अपने जो एग्जाम होगा उसमें अच्छे से देखना करेक्ट पूछा या फिर नॉट करेक्ट पूछा, ठीक है। दे आर लाइक साउंड वेव्स, दे कैन ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड मटेरियल्स, दे कैन ट्रेवल थ्रू गैसियस लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल्स, या डी दे मूव फास्टर एंड द फर्स्ट वन टू अराइव एट द सर्फेस। कौन सा होगा प्राइमरी वेव्स, अब दो तरह की वेव्स होती है हमारी जब अर्थक्वेक आता है, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स, बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव। बॉडी वेव में भी दो तरह की वेव्स होती है आपकी, एक पी वेव्स एक एस वेव्स, पी मतलब आपकी प्राइमरी और एस मतलब आपकी सेकेंडरी। इन चार बातों में से तीन बातें बिल्कुल ठीक है, एक गलत है, कौन सी, कि दे कैन ट्रेवल ओनली थ्रू द सॉलिड मटेरियल्स, नहीं भाई। अब पहला इसने कह दिया दे आर लाइक साउंड वेव्स,
ठीक है। अब साउंड वेव्स तो तीनों में से ट्रेवल कर सकती है, आपने अभी साइंस का सेशन लगाया था, ठीक है। साउंड वेव सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों में ट्रेवल कर सकती है, उसी की तरह ही आपकी प्री वेव्स माने कि प्राइमरी वेव्स भी तीनों मटेरियल में से पास कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में से पास नहीं करती है, ठीक है। तो ये याद रखना कि वो तीनों में से पास करती है। इवन आप इनके जो ऑप्शंस है ना उससे भी एक तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि सिर्फ ये दो क्या कर रही थी, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी। एक कह रहा था कि सॉलिड मटेरियल से पास होगा और एक क्या कह रहा है, तीनों से पास होगा, ठीक है। तो इसमें से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस में से आपका आंसर सही होगा, किस में से नहीं। और अगर आप थोड़ा सा और दिमाग खोल के आंसर देखेंगे, ऑप्शंस देखेंगे, पहला क्या है, दे आर लाइक साउंड वेव्स एंड साउंड वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू ऑल द थ्री मटेरियल्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, बी। What is the triangular landmass that forms at its mouth when a river splits into several branches just before entering the sea? Sea में enter करने से पहले कौन सा एक triangular landmass बनाती है river? River कौन सा landmass बनाती है? A, B, C, D. A कहता है island, B कहता है cape, तीन कहता है estuary या D कहता है delta. इसमें से कौन सा होगा? जल्दी देखो। अबे क्या कह रहा है, ट्रायंगुलर लैंडमास दैट फॉर्म्स एट माउथ व्हेन रिवर स्प्लिट इनटू सेवरल ब्रांचेस। तो ये क्या कह रहा है, एक रिवर ऐसे आ रही है, फिर एक ट्रायंगुलर लैंडमास बन रहा है और क्या कर रही है, एक ऐसे ब्रांचेस में फैल रही है, ठीक है, ऐसा लैंडमास कुछ बना रहा है। और ये हमने कहां देखा था, जब हमने ज्योग्राफी पढ़ी थी, और उसमें क्या बना था, ये एक डेल्टा, क्या बना था, एक डेल्टा बना था, ठीक है। तो ये ऐसा जो स्ट्रक्चर है वो कौन होता है आपका, डेल्टा होता है। और एक बात याद रखना, ये हमारा भारत, ठीक है। तो ऑल द रिवर्स जो आपकी बे ऑफ बंगाल में जाती है वो क्या फॉर्म करती है, आपकी डेल्टा फॉर्म करती है, ठीक है। जिनका भी जो माउथ है वो डिस्चार्ज पानी करता है बे ऑफ बंगाल में, वो क्या बनाती है, आपकी डेल्टा बनाती है। और इस तरफ वाली क्या बनाती है, आपकी एस्टुअरी बनाती है, ठीक है, एस्टुअरी। ये सी कौन बनाती है, आपकी अरेबियन सी वाली, और देव बंगाल वाली क्या बनाती है, आपकी डेल्टास बनाती है। ये बात याद रखना आपकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज पार्ट ऑफ ओशन फ्लोर अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द कोस्ट। कोस्ट से डिस्टेंस इंक्रीज होते हुए, कोस्ट से आपका जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होते हुए आपका क्या बताना है, बताना है कि क्या बनता है क्या नहीं। चलो इसको बनाते हैं। ये मान लो आपका लैंड मास है जहां पर हम रहते हैं, ठीक है। देन थोड़ा थोड़ा गहराई की तरफ जाते हैं हम, ठीक है। उसके बाद एक ऐसे स्लोप आ जाता है, फिर आपका ये बन जाता है ओशन फ्लोर। तो ये सबसे पहले क्या है, ये कॉन्टिनेंटल मास है जहां पर हम लिव कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या आता है, एक ये एरिया, इसको क्या कहा जाता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जो आपका समुद्र वाला एरिया होता है, सी वाला, ओशन नहीं, सी वाला, वो क्या होता है आपका, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। इस कॉन्टिनेंटल शेल्फ के खत्म होते ही एक ऐसे स्लोप आता है, ठीक है, एकदम से ग्रेडिएंट गिर जाता है ऐसे, उसको क्या कहा जाता है, कॉन्टिनेंटल स्लोप, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या, कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहां पर है, ए में एंड सी में। फिर उसके बाद कॉन्टिनेंटल स्लोप, लो क्वेश्चन ही सोल्व हो गया, आगे हमने बनाया है पड़ा कॉन्टिनेंटल शेल्फ, फिर कॉन्टिनेंटल स्लोप, फिर कॉन्टिनेंटल राइस। कॉन्टिनेंटल राइस कौन सा होता है, ये वाला पार्ट। अगर हम इस तरह से देखें तो यहां से कॉन्टिनेंट राइस हो गया ना, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका, कॉन्टिनेंटल राइस। और ये आपका डीप सी प्लेन, जो आपका ओशन का नीचे बॉटम वाला हिस्सा है, ठीक है, ये होता है आपका डीप सी प्लेन। इसमें क्या मिलते हैं आपके, रिजेस मिलते हैं एंड ट्रेंचेस मिलते हैं, ठीक है, रिजेस एंड ट्रेंचेस मिलते हैं आपके डीप सी प्लेन में। तो इसका आंसर क्या था, सी। सबसे पहले कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है हमारा, फिर होता है कॉन्टिनेंटल स्लोप, देन कॉन्टिनेंटल राइज आता है, फिर आता है आपका डीप सी प्लेन। ये था
कोस्ट से आपका डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। अब ये यहां पर आपका कोस्ट खत्म होता है, ठीक है, अब कोस्ट से डिस्टेंस इंक्रीज करते जाओ, ठीक है, कोस्ट से डिस्टेंस इंक्रीज करते जाओ। तो सबसे पहले शेल्फ आया, फिर स्लोप आया, फिर राइज आया, और फिर क्या आया आपका डीप सी प्लेन आया, ठीक है। आई होप आप बच्चों को ये समझ आ गया होगा, और ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं एनडीए में, ठीक है, ऐसे ही पूछ लेते हैं, या फिर ये पूछ लेते हैं कि ये वाला इलाका इसके बारे में कुछ बता देंगे, ये पूछ लेंगे ये क्या है, ये पूछ लेंगे रिजिज क्या होती है, ट्रेंचिस क्या होती है, खाई, ठीक है, ये सब। नेक्स्ट, द सीवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द कॉन्टिनेंट फ्रॉम शोर लाइन टू द कॉन्टिनेंटल एज, सीवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द कॉन्टिनेंट फ्रॉम शोर लाइन टू द कॉन्टिनेंटल एज क्या होगा बताइए जल्दी, सीवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द कॉन्टिनेंट फ्रॉम शोर लाइन टू द कॉन्टिनेंटल एज। अभी देखा था हमने ए बी सी डी, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, या डी नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन क्या है, एक्सटेंशन ऑफ द कॉन्टिनेंट फ्रॉम शोर लाइन, ठीक है, कहां पर जाना है, कॉन्टिनेंटल एज, शोर लाइन, ये यहां से जाना है कॉन्टिनेंटल एज। तो सबसे पहले क्या पड़ेगा भाई, कॉन्टिनेंटल शेल्फ तो पड़ेगा, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आपका, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड इज अ रेन बियरिंग क्लाउड, कौन से बादलों से बारिश होती है, क्यूमुलस, स्ट्रेटस, निम्बस या सिरस। क्लाउड चार तरह के होते हैं, ठीक है, तो इनमें से कौन से क्लाउड से बारिश होती है, ठीक है, क्या पूछा है, क्यूमुलस से, स्ट्रेटस से, निम्बस से, या फिर सिरस से। तो चार तरह के क्लाउड होते हैं, सबसे पहले देखते हैं सिरस, सिरस क्लाउड कौन होते हैं, जो आपके 9000 मीटर के अबव, जो सबसे ऊंचाई पे फेदर लाइक होते हैं, ठीक है, फेदर लाइक, साथ में ऑलवेज व्हाइट, ये हमेशा किस रंग के होते हैं, सफेद रंग के होते हैं, ये होते हैं आपके सिरस क्लाउड। क्यूमुलस, क्यूमुलस क्यूमुलेटिव से आप इसको अंदाजा लगाओ, जो एक गुच्छा बना होता है, ठीक है, कॉटन वूल, कॉटन वूल की तरह होते हैं ये, वो होते हैं आपके क्यूमुलस क्लाउड। स्ट्रेटस क्लाउड, स्ट्रेटस पूरे के पूरे आसमान में फैले होते हैं, ठीक है, और चौथा जो बचा आपका निम्बस, ये कौन से होते हैं आपके, रेन बियरिंग क्लाउड, दे आर डार्क ग्रे टू ब्लैक इन कलर। आपके थंडर वो कहां आते हैं, निम्बस क्लाउड में, बारिश वो कहां आती है, निम्बस क्लाउड में। तो ये चार तरह के क्लाउड होते हैं आपके, लेकिन ये चार भी क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, ठीक है। अब मान लो पूरे आसमान में आपके काले बादल छाए हैं, तो कौन से हो जाएंगे, स्ट्रेटस प्लस निम्बस, ठीक है, स्ट्रेटस और निम्बस का एक क्या है, कॉम्बिनेशन बना हुआ है, ठीक है, तो वो कौन से हो जाएंगे आपके, स्ट्रेटो निम्बस हो जाएंगे। तो ऐसे ऐसे हर एक क्लाउड क्या करता है, अपने एक कॉम्बिनेशन बना के रखता है। होते बेसिक चार तरह के हैं, लेकिन इनके भी क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो अभी हमने देखा जो रेन बियरिंग क्लाउड है वो कौन से होते हैं आपके, निम्बस क्लाउड्स। ग्रोइंग ऑफ टू और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली ऑन अ सेम फील्ड इन अ डेफिनेट पैटर्न, मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, या फिर हाइब्रिड फार्मिंग, कौन सी फार्मिंग होती है, टू और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली और डेफिनेट पैटर्न, ठीक है, एक डेफिनेट पैटर्न में उगे हुए हैं आपके टू और मोर क्रॉप्स, दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स एक डेफिनेट पैटर्न में हमने ग्रो किए हुए हैं, मिक्स क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग, मिक्स्ड फार्मिंग या हाइब्रिड फार्मिंग। इंटरक्रॉपिंग, ठीक है, इंटरक्रॉपिंग क्या होता है, इंटरक्रॉपिंग में एक लाइन हमने किसी फसल की वो दी, एक हमने किसी की, एक किसी की, एंड देन अगेन यही पैटर्न फॉलो, देन अगेन यही पैटर्न फॉलो, तो ये होती है आपकी इंटरक्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या होता है, एक पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, यहां पर हमने एक क्रॉप उगाई, यहां पर हमने एक क्रॉप, यहां पे हमने, यहां पे अलग, ऐसे कोई पैटर्न में नहीं है, अलग अलग लाइन नहीं, लेकिन एक पीस ऑफ लैंड पे हमने कुछ उगा दिया, एक पे कुछ ग्रो किया, एक पे कुछ ग्रो किया, ऐसे, ये क्या होती है आपकी मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड फार्मिंग क्या होती है, फार्मिंग तो हम कर रहे हैं, ठीक है, फसल तो उगा रहे हैं, क्रॉप्स तो उगा रहे हैं, साथ साथ लाइव स्टॉक्स,
लाइव स्टॉक मतलब पशुपालन, साथ साथ हमने पशुपालन भी किया हुआ है, वो क्या हो जाएगी आपकी मिक्स्ड फार्मिंग हो जाएगी। और हाइब्रिड फार्मिंग क्या होती है, क्रॉस पोलिनेशन करवा के हमने कुछ क्रॉप्स उगाए हैं, तो वो क्या हो जाएगी आपकी हाइब्रिड फार्मिंग। तो ये चार तरह की अलग अलग फार्मिंग होती है, आई होप आपने ये समझ ली होगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था, इंटरक्रॉपिंग इज सेम फील्ड में डेफिनेट पैटर्न के साथ। रिवर ब्यास फ्लोइंग फ्रॉम हिमाचल एंड पंजाब ज्वाइंस द रिवर, कौन सी रिवर को ज्वाइन करती है, कौन सी रिवर को ज्वाइन करती है आपकी रिवर ब्यास, फ्लोइंग फ्रॉम हिमाचल एंड पंजाब ज्वाइंस द रिवर ए इंदस, सतलुज, चेनाब, रवि, कौन सी। ठीक है, इनमें से कौन सी रिवर को आपकी रिवर ब्यास ज्वाइन करती है। रिवर सतलुज, ठीक है, रिवर सतलुज को आपकी रिवर ब्यास आपकी ज्वाइन करती है। और ये सारी कौन सी रिवर्स है, ये इंदस की ट्रिब्यूटरीज है भाई, इंदस की ट्रिब्यूटरीज, इंदस की ट्रिब्यूटरीज है ये सारी। ठीक है, अब क्वेश्चन इस पे क्या आ जाता है, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है इंदस की। एक तो पांच ट्रिब्यूटरीज होती है, सबसे ऊपर इंदस जाती है, फिर उसके बाद कौन सी जाती है, झेलम, फिर चेनाब, फिर रवि, फिर ब्यास एंड देन सतलुज। ये आपकी नॉर्थ टू साउथ ट्रिब्यूटरीज, सबसे पहले झेलम होती है, चेनाब, रावि, ब्यास एंड सतलुज। तो ये क्वेश्चंस भी आए हुए आपके ऊपर कि इनको एक नॉर्थ टू साउथ अरेंज कर दो। तो ये आपका होगा आंसर कि रिवर ब्यास किसको आपकी ज्वाइन करती है, सतलुज को। नेचुरल वेजिटेशन विच कवर्स द मैक्सिमम जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया, इंडिया का मैक्सिमम जियोग्राफिकल एरिया कौन से तरह की वेजिटेशन से कवर्ड है, इंडिया का मैक्सिमम एरिया कौन सी वेजिटेशन से कवर्ड, ट्रॉपिकल डेसिडियस, ट्रॉपिकल थोर्न, माउंटेन या ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। मैक्सिमम जियोग्राफिकल एरिया इंडिया का, इंडिया के मैक्सिमम एरिया में क्या ग्रो हुआ पड़ा है, मतलब कौन सी वेजिटेशन है, ट्रॉपिकल डेसिडियस, थोर्न, माउंटेन या फिर एवरग्रीन फॉरेस्ट। आंसर है इसका ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, अब ये ट्रॉपिकल डेसिडियस भी आपके दो तरह के होते हैं, वेट और ड्राई, वेट डेसिडियस और ड्राई डेसिडियस। इनमें डिफरेंस क्या होता है, वेट डेसिडियस में ज्यादा बारिश, ड्राई वाले में आपकी थोड़ी कम बारिश होती है। ठीक है, वेट वाले अगर थोड़ी सी ज्यादा बारिश हो जाए वेट वालों में तो क्या बन जाते हैं आपके, एवरग्रीन वाले, और थोड़ी कम हो जाए तो कौन से बन जाते हैं, ड्राई वाले। और ड्राई डेसिडियस में अगर थोड़ी और कम बारिश हो जाए तो क्या बन जाते हैं आपके, थोर्न फॉरेस्ट बन जाते हैं। तो जो मैक्सिमम एरिया कवर्ड है हमारे इंडिया का वो कौन सा है, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश क्रॉप, कॉटन, ज्वार, जूट और टोबैको। कैश क्रॉप, पहले बात कैश क्रॉप होती क्या है। ठीक है, अब दो तरह की हो जाती है, कैश क्रॉप और फूड क्रॉप। कैश क्रॉप क्या है, जैसे नाम बता रहा है, कैश के लिए कि भाई सेल करनी है हमें, ज्यादातर क्या है सेल करनी है, घर में यूज नहीं करनी, जो भी हम उगा रहे हैं वो किसके लिए, मेन पर्पस क्या है उसका, सेल करना, मार्केट में हमें से सेल करना है, तो वो जाती है आपकी कैश क्रॉप। तो इनमें से कॉटन भी घर में सारा यूज नहीं करते भाई हम, ठीक है, इसको भी सेल करते हैं हम, जूट को भी सेल ही करते हैं कि इससे कपड़े बन जाएंगे, बैग बन जाएंगे, टोबैको हानिकारक है, ठीक है, उसको भी हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो बचा क्या, बचा आपका सिर्फ और सिर्फ ज्वार, जो कि आपकी एक फूड क्रॉप है, कैश क्रॉप नहीं है। ठीक है, तो इनका क्या आंसर था, कौन सी इनमें से कैश क्रॉप आपकी कैश क्रॉप नहीं है, ज्वार। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो बिटवीन विंध्यन एंड सतपुरा रेंजेस, विंध्या और सतपुरा रेंज के बीच में कौन सी रिवर फ्लो करती है, नर्मदा, सोन, माही या नेत्रावती।
विंध्या एंड सतपुरा रेंज। यहां पर आपकी विंध्या रेंज है, यहां पर आपकी सतपुरा रेंज है। इसके हिसाब से ट्राई करके देखो कौन सी यहां से फ्लो करती हुई जाएगी, कौन सी रिवर आपकी यहां से फ्लो करती हुई जाएगी। नर्मदा, सोन, माही, नेत्रावती। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, ए नर्मदा। नर्मदा ही ऐसे जाती है आपकी क्या, एक ईस्ट फ्लोइंग रिवर, सॉरी वेस्ट फ्लोइंग रिवर, वेस्ट की तरफ जाती है। ठीक है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है आपकी नर्मदा, और नर्मदा ही आपकी विंध्या और सतपुरा रेंज के बीच में से होकर गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर फाउंड इन हाईएस्ट एंड लोएस्ट क्वांटिटीज रिस्पेक्टिवली इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। अर्थ की क्रस्ट में इनमें से कौन सा मैक्सिमम क्वांटिटी में है और मिनिमम क्वांटिटी में, अर्थ की क्रस्ट में कहा है। ठीक है, एटमोस्फेयर नहीं, एटमोस्फेयर में नहीं, कहीं आप तो नाइट्रोजन ढूंढने लग जाओ, एटमोस्फेयर की बात नहीं हुई, क्रस्ट की बात हुई है। जल्दी से, ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन, कैलेडियम एंड सोडियम, सोडियम एंड मैग्नीशियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। अर्थ के क्रस्ट में इनमें से कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा है और सबसे कम क्वांटिटी में है? तो आंसर क्या होगा इसका, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। ऑक्सीजन आपकी हाईएस्ट क्वांटिटी में है और मैग्नीशियम आपकी लोएस्ट क्वांटिटी में है। ऑक्सीजन तो ये याद रखो मैक्सिमम है, लेकिन सिलिकॉन भी बहुत है भाई, सिलिकॉन एल्यूमिनियम ये आते हैं इसके बाद, ऑक्सीजन के बाद। ठीक है, तो ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम आपका क्या है। चलिए अब थोड़े से हिस्ट्री क्वेश्चंस भी आए, आगे और भी आएंगे, ठीक है, ज्योग्राफी के आगे और भी आएंगे क्वेश्चंस। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, वारन हास्टिंग्स सेट अप द कलकत्ता मदरसा फॉर द स्टडी एंड टीचिंग ऑफ मुस्लिम लॉ रिलेटेड सब्जेक्ट। मुस्लिमों से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है वो पढ़ने के लिए वारन हास्टिंग ने कलकत्ता मदरसा को आपका एस्टेब्लिश किया था। दूसरा, जोनाथन डंकन स्टार्टेड अ संस्कृत कॉलेज एट वाराणसी, किस लिए, टू स्टडी हिंदू लॉ एंड फिलोसफी। इनमें से कौन सा ठीक है कि वारन हास्टिंग ने आपका कलकत्ता मदरसा बनाया, जोनाथन डंकन ने संस्कृत कॉलेज को एस्टेब्लिश किया, इनमें से कौन सा ठीक है कौन सा नहीं, जल्दी बताओ। बोथ ए एंड बी आर राइट। तो इस जरूरत क्या थी अंग्रेजों को, क्या कि भाई हम मुस्लिम लॉ पढ़ेंगे हिंदू लॉ पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि उस समय जो कोर्ट्स हुआ करते थे, ठीक है, अंग्रेजों से पहले मुगलों का राज था, तो जो कोर्ट थे वहां पे जो आपका जजमेंट देने का तरीका था वो लॉज थे, वो किस में थे आपके सारे मुस्लिम से रिलेटेड। ठीक है, इस वजह से उनको मुस्लिम लॉज पढ़ने की आपकी जरूरत पड़ी, और जो आपके लोग थे वो ज्यादातर मेजोरिटी हिंदुओं की थी, तो उनको समझने के लिए, उनकी फिलोसफी समझने के लिए उन्होंने क्या किया आपका संस्कृत कॉलेज की एस्टेब्लिशमेंट की, कि उनको भी समझा जा सके। विच वन अमंग द फॉलोइंग एक्ट्स फॉर द फर्स्ट टाइम अलाउड इंडियंस थियोरिटिकली एंटर टू द हायर पोस्ट इन ब्रिटिश इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन में और हाई पोस्ट पे इनमें से कौन सा, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, चार्ल्स वुड्स एजुकेशन डिस्पैच 1854, या फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। थ्योरिटिकली एंट्री कहां पर, एडमिनिस्ट्रेशन में, सिविल सेवा, सिविल सर्विसेज। थ्योरिटिकली, प्रैक्टिकली स्टार्ट नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ थ्योरिटिकली 1813 में, 33 में, चार्ल्स वुड्स एजुकेशन डिस्पैच या फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। आंसर है इसका चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के चार्टर एक्ट के बाद ही क्या था आपका, थियोरिटिकली कह दिया भाई अब से इंडियंस भी क्या करेंगे आपके सिविल सेवा में जाने के लिए एक पेपर लेंगे हम, ठीक है, एग्जामिनेशन रखेंगे, और तुम लोग भी क्या करोगे सिविल सर्विसेज में पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन थियोरिटिकली था। ठीक है, इसको दो साल बाद मना कर देंगे भाई नहीं अभी नहीं करते, इंडियंस इतने ज्यादा समझदार, इतने ज्यादा योग्य नहीं है कि सिविल सेवा में जा सके।
आगे जो एक्ट आए थे उसमें प्रैक्टिकली आपका ओपन हो गया था, लेकिन थ्योरेटिकली किसमें हुआ था आपका 1833 में। इस 1833 में एक बात और थी, 1833 वाले जो एक्ट था चार्टर एक्ट, उसमें एक जरूरी बात और थी, क्या जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्या बन गया, वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, क्या बन गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया, ठीक है, उसका नाम बदल दिया, उसकी डेजिग्नेशन बदल दी कि अब गवर्नर जनरल बंगाल का नहीं है, वो कहां का है, पूरे के पूरे इंडिया का है। और पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक बने 1935 में, सॉरी 1835 में आपके पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज और आपकी 1833 में आई थी। 1813 की बात करें, 1813 में ये याद रखना, जो मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो मोनोपोली थी वो मोनोपोली वॉज अबॉलिश्ड, कहा गया था कि भाई सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करेगी इंडिया के साथ, जो ब्रिटेन की एक कंपनी थी, कि तुम ही ट्रेड करो इंडिया के साथ और कोई कंपनी ट्रेड नहीं करेगी, लेकिन वो मोनोपोली अबोलिश की थी 1813 में। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, क्या टी ट्रेड, चाय का व्यापार, चाय का व्यापार भी सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा, आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, और इसके साथ साथ आपका ट्रेड विद चाइना, ट्रेड विद चाइना ये भी आपका कौन करेगा, सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि मोनोपोली तो अबोलिश कर दी थी, लेकिन आपकी ये दो चीजों में मोनोपोली अभी भी रखी हुई थी। तीसरा जो आपका वुड्स एजुकेशन डिस्पैच, इसको क्या कहा जाता है, आपका मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, ये याद रखना वुड्स एजुकेशन डिस्पैच को क्या कहा जाता है, इस बात को आप याद रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन स्टेट्स कमेटी वॉज फॉर्मड इन 1928 अंडर, जो इंडियन स्टेट्स कमेटी बनी थी 1928 में वो किसके अंडर बनी थी, आई होप आपको अभी तक के सारे जीएस के जो टॉपिक्स हैं वो समझ आ रहे होंगे, और अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज इसको लाइक जरूर करना सेशन को, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो जो भी आपके एनडीए के लिए प्रिपरेशंस कर रहा है, ठीक है। इंडियन स्टेट्स कमिटी वॉज फॉर्मड इन 1928 अंडर राजा ऑफ जूनागढ़, आयन कोपलैंड, सर हारकोट बटलर, या फिर मोतीलाल नेहरू, किसके अंडर बनी थी इंडियन स्टेट्स कमेटी, इंडियन स्टेट्स कमेटी किसके अंडर बनी थी, इसको कहा जाता है बटलर कमेटी, ठीक है, बटलर कमेटी कहा जाता है, और किसके अंडर थी वो, सर हारकोट बटलर के अंडर, ठीक है। 1928 में ये कहा गया था कि भाई जो स्टेट्स है और प्रिंसली स्टेट जो है उनका हमारे साथ कैसे रिश्ता हुआ, मतलब अंग्रेजों के साथ, हमारे मतलब अंग्रेजों के साथ जो है ब्रिटिश प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स का आपस में कैसे रिश्ता हुआ, वो डिटरमाइन करने के लिए क्या आई थी आपकी, बटलर कमेटी आई थी। एक चीज कंफ्यूज करने के लिए, 1928 का क्या है, मोतीलाल नेहरू का नाम, ठीक है। अब मोतीलाल नेहरू और 1928 का क्या, मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट दी थी 1928 में, तो इस 1928 से कंफ्यूज मत हो जाना कि क्या पता मोतीलाल नेहरू ही उस कमेटी के हेड हो, नहीं, मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट दी थी। ये क्या था, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का एक अटेम्प्ट था इंडियंस का, ठीक है, इंडियंस का अटेम्प्ट था एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का नेहरू रिपोर्ट में, तो ये चीजें आप याद रखना। फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1793 आर करेक्ट, परमानेंट सेटलमेंट आई थी, ठीक है, जमींदारी सिस्टम, उसमें क्या क्या चीजें आपकी करेक्ट थी, इनमें से आपको यह बताना आर करेक्ट, कौन कौन सी ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट वेस्टेड लैंड ओनरशिप राइट इन द पीजेंट, परमानेंट सेटलमेंट वेस्टेड लैंड ओनरशिप राइट इन द जमींदार, जमींदार हैड टू पे अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेंट by a particular date and zamindars benefited hugely from the permanent settlement while the peasants suffered, तो जमींदारों को तो भाई मोटा मुनाफा हुआ लेकिन आपके peasant ने suffer किया,
तो कौन कौन सी बातें ठीक है इसमें से, परमानेंट सेटलमेंट या फिर जमींदारी सिस्टम? जल्दी देखो इस क्वेश्चन को। परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1793, पहला कहता है परमानेंट सेटलमेंट वेस्टेड लैंड ओनरशिप राइट इन द प्रेजेंट। परमानेंट सेटलमेंट का दूसरा नाम भाई जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम नाम ही बता रहा है, जमींदारी सिस्टम भाई आपके पीजेंट के पास ओनरशिप राइट नहीं था। पहली तो गलत, फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी गलत है। तो आपका एक ऑप्शन ये और एक ऑप्शन ये तो एलिमिनेट हो गया, आपके एग्जाम में भी एलिमिनेट करते हुए चलना, ठीक है। इस क्वेश्चन के आपके सारे स्टेटमेंट नहीं बता के ठीक है नहीं, उसको एलिमिनेट करते चलना, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहती है, परमानेंट सेटलमेंट वेस्टेड लैंड ओनरशिप राइट्स इन द जमींदार, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो आंसर तो आपका निकल गया, आंसर तो आपका निकल गया टू एंड थ्री। लेकिन और स्टेटमेंट देखते हैं, जमींदार हैड टू पे अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेंट बाय अ पर्टिकुलर डेट, बिल्कुल ठीक। अब जमींदार को क्या था, उनको पैसे निकालने थे पीजेंट से, ठीक है, और किसको देने थे, आपके अंग्रेजों को देने थे एक फिक्स डेट के, तो भाई इस पर्टिकुलर डेट पे तेरे को पैसे देने, नहीं दिए तो जिम्मेवारी तेरी। एंड जमींदार बेनिफिटेड ह्यूजली फ्रॉम द परमानेंट सेटलमेंट वाइल द पीजेंट सफर्ड। ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू थी पार्शल, ठीक है। पीजेंट ने तो सफर किया और जमींदारों ने पैसे बनाए शुरुआत में, लेकिन उसके बाद उन्होंने भी सफर करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि पीजेंट्स टाइम पर पैसे नहीं देते थे। अब मार किसको पड़ती थी, जमींदारों को भी। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने जो जिम्मेवारी दी थी वो जमींदारों को दी थी कि भाई तुम पैसे निकालो उन किसानों से, उन पीजेंट से तुम पैसे निकालो, और जब वो नहीं निकाल पाते थे डंडा किसे पड़ता था, जमींदारों को पड़ता था। इनके बाद जमींदारों के साथ साथ एक नया आदमी आया, एक नया ऑफिस आया, एक नई पोस्ट आई कलेक्टर की। कलेक्टर का भी काम क्या कर दिया कि भाई तू उनसे टैक्स वसूल, क्योंकि जमींदार आपके अब सही से काम नहीं कर रहे, कलेक्टर तू भी आ जा, तू भी इनसे क्या कर, पैसे वसूल कर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है आपका, टू एंड थ्री। समरी देख लेते हैं तीनों लैंड रेवेन्यू सिस्टम की। तीन रेवेन्यू मेन थे आपके, किसके टाइम पे, अंग्रेजों के टाइम पे। पहला जमींदारी सिस्टम कब आया, 1793 में। कहां, एरिया कौन सा, बंगाल, नॉर्दर्न मद्रास एंड बनारस, इस एरिया में आपका ज्यादातर ये फोकस था। ओनरशिप अर्लियर इंडिविजुअल, फिर बाद में किसको दे दी, जमींदारों को दे दी कि भाई अब जमींदारों को ही क्या है, ओनरशिप है तुम्हारे नाम पर ही, क्या है ये सारा का सारा लैंड है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेमेंट किसकी थी, जमींदारों की, जमींदारों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि भाई अब तीन चीजें थी, एक थे प्रेजेंट, बीच में जमींदार, और यहां पे कौन थे आपके अंग्रेज। अंग्रेजों ने इन जमींदारों को कहा था कि भाई पर्टिकुलर डेट है, मान लो 10 तारीख तो तुम्हें इतने पैसे दे दियो, अब तेरे ऊपर है, तू इनसे उनसे पीजेंट से किसानों से पैसे कैसे निकलवाएगा, ठीक है। अब जमींदार बाय हुक और बाय क्रूक इनसे क्या करते थे, पैसे निकलवाते थे, अपना कमीशन रखते थे और सारा किसको देते थे, ब्रिटिशर्स को। तो ऐसे बिचौलिए की तरह जमींदार काम करते थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पर ये आया था, प्रोटैगनिस्ट कौन थे इसके, लॉर्ड कॉर्नवालिस। सेकंड माहलवारी सिस्टम 1822 में आया, कौन सा एरिया आपका, आगरा, औध, पंजाब एंड सेंट्रल इंडिया, जो आपका सेंट्रल इंडिया है, ठीक है, वो सारा नॉर्दर्न सेंट्रल इंडिया, उसमें होल विलेज और कम्युनिटी की बेस्ड आपकी ओनरशिप हुआ करती थी, और पैसे देना रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेमेंट भी किसकी थी आपकी, पूरे के पूरे विलेज की। किसके टाइम पे आपका, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब क्या था इसमें, अंग्रेज थे, अंग्रेजों को क्या चाहिए था, पैसे चाहिए थे। अब इन्होंने क्या किया, विलेज, एक ग्रुप ऑफ विलेज बना दिया, ठीक है, और विलेज हो या फिर ग्रुप ऑफ विलेज, अब इनको क्या कह दिया कि भाई अकॉर्डिंग टू योर फर्टिलिटी ऑफ सोइल, और कितनी तुम्हारे यहां पर पैदावार हो रही है, ग्रोथ कितनी है, ठीक है, क्रॉप्स कितने उगा रहे हो, उसके हिसाब से ये पर्टिकुलर हम पूरे के पूरे गांव से वसूलेंगे टैक्स, ठीक है। अब इस गांव की जिम्मेवारी बनती थी कि भाई अपने सारे के सारे पीजेंट से क्या कर ले, पैसे निकलवा ले, टैक्स निकलवा ले, और किसको दे दे, आपके जमीन उसको अंग्रेजों को दे दे। तो ये सिस्टम था आपका माहलवारी सिस्टम में। तीसरा था आपका रैयतवारी, जो 1792 में स्टार्ट हुआ, मद्रास, बॉम्बे, बिरार, सेंट्रल इंडिया, नीचे वाले एरिया में, ठीक है।
इंडिविजुअल की ओनरशिप, इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेमेंट, सर थॉमस मुंडो जो गवर्नर ऑफ मद्रास थे, ये थे इसके प्रोटैगनिस्ट। अब इसमें क्या था, अंग्रेजों ने क्या कह दिया कि भाई जो बीच में जमींदार था वो हटा दिया, ठीक है, जमींदार को हटा दिया। अब अंग्रेज डायरेक्ट इन पीजेंट से क्या लेंगे, पैसा वसूलेंगे, टैक्स वसूलेंगे, और जो ओनरशिप राइट थी वो भी किसकी थी आपकी, सिर्फ और सिर्फ पीजेंट्स की थी। तो ये आपके तीन अलग अलग क्या थे, सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू जो अंग्रेजों के टाइम पर प्रचलित थे। ब्रिटिश ऑफिसर हु वॉज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नर जनरल एंड हु लिव्ड इन अ स्टेट विच वॉज नॉट अंडर डायरेक्ट ब्रिटिश रूल, ठीक है, गवर्नर जनरल का रिप्रेजेंटेटिव और उस स्टेट में रहेगा जो आपके डायरेक्ट ब्रिटिश रूल के अंडर नहीं आती, कौन था वो, कलेक्टर, वाइसरॉय, रेजिडेंट या फिर एजेंट। ठीक है, कौन सा होगा, कलेक्टर, वाइसरॉय, रेजिडेंट या फिर एजेंट, रेजिडेंट। ठीक है, ये सिस्टम किसमें आया था आपका, सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम में आया था, सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम। अब इस सिस्टम के बारे में जान लेते हैं, ये सिस्टम जो सबसे पहले टर्म दी गई थी वो टर्म किसने दी थी, फ्रेंच गवर्नर डुप्लेक्स ने, डुप्लेक्सी ने दी थी कि भाई एक टर्म है सब्सिडियरी अलायंस, और ये स्टार्ट किसने की थी आपकी, लॉर्ड कौन था, कमेंट सेक्शन में बताना कि ब्रिटिशर कौन सा था जिसने आपकी सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम शुरू किया था। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं, सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम क्या था, इसमें क्या था, एक अलायंस बना लेंगे, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने क्या कहा कि जिन पर हम डायरेक्ट रूल नहीं कर रहे उन पर एक अलायंस बना लेंगे, और उनको क्या कहेंगे कि जो तुम्हारी सेना है उसको डिस्बैंड कर दो, तो भाई तुम अपनी सेना को तो खत्म कर दो, तुम्हारी रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, अंग्रेज करेंगे तुम्हारी रक्षा, हम अपनी सेना को तुम्हारे यहां रखेंगे, उसको कमांड भी हम ही करेंगे, ठीक है, उसको कमांड भी हम करेंगे, बदले में तुम क्या देना, पैसे दे देना। ठीक है, ये सब उसने कहा था। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी बातें थी, क्या किसी भी और यूरोपियन नेशन के साथ कोई संबंध नहीं होने चाहिए तुम्हारे, किसी भी और यूरोपियन सिटीजन को तुम अपने यहां पर नौकरी नहीं दोगे एक्सेप्ट आपके ब्रिटिशर्स को। ठीक है, इसके साथ साथ अगर किसी और प्रिंसली स्टेट के साथ तुम्हें संबंध बनाने हैं, रिश्ते बनाने हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशन रहने हैं, किसकी मर्जी से आएंगे, गवर्नर जनरल की वजह से। ठीक है, तो ये सारी बातें कब कही गई थी आपकी, सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम में कही गई थी। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है आज का, सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम 1798, ठीक है, लॉर्ड वेलेसिलो तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया। ठीक है, ये किसने आपका स्टार्ट किया था, फॉलोइंग स्टेटमेंट डिवाइस बाय लॉर्ड वेलेसिलो इज नॉट करेक्ट। ठीक है, कौन सी आपकी करेक्ट नहीं है, द टेरिटरीज एंटरिंग इन टू सब्सिडियरी अलायंस विद द ब्रिटिश वर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रोटेक्शन। ठीक है, पहली स्टेटमेंट तो आपकी ये कहती, इन द टेरिटरी ऑफ द अलाई अ ब्रिटिश आर्म्ड कंटिजेंट वुड बी स्टेशन। ठीक है, कि वो जो स्टेशन था जो आपकी ब्रिटिशर ने आर्मी रखी थी वो वहां पर स्टेशन होगी। अलाई वुड हैव टू प्रोवाइड द रिसोर्स फॉर मेंटेनिंग द ब्रिटिश कंटिजेंट इन द टेरिटरी। जो अलाई बना है वही पैसे भरेगा भाई सेना के लिए, वही अलाई, वही प्रिंसली स्टेट ही पैसे भरेगा। और चौथा, द परमिशन ऑफ द ब्रिटिश वॉज नीडेड फॉर द अलाई टू एंटर इन टू एग्रीमेंट विद अदर रूलर्स, कि भाई ब्रिटिशर्स की ही परमिशन से तुम अदर रूलर से क्या करोगे, एग्रीमेंट को बनाओगे, जो भी हमने बातें की थी। तो इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट, ए, के जो भी टेरिटरीज आपके सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम में आएगी दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्सटर्नल एंड इंटरनल प्रोटेक्शन। नहीं, मेन चीज तो यही थी, ब्रिटिशर्स ने क्या कहा कि तुम अपनी सेना को हटा दो, अब सेना किसकी होगी, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स की होगी। ठीक है, और एक चीज याद रखना, फर्स्ट स्टेट जिसने सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम को मानना था वो कौन था आपका, हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद आपकी फर्स्ट स्टेट थी जो सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम में आई थी। ठीक है, तो ये थे आपके आज के कुछ क्वेश्चंस जिससे आपकी पूरी जीएस हमने पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री कंप्लीट की, उसमें हमने अलग अलग कंसेप्ट किए।
ठीक है। आई होप आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, इस सेशन को प्लीज आप शेयर कर दे एंड लाइक जरूर करना।